हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरी लेरू निके तो सरी लेरू निकेवरू फिल्म का जो हिंदी वर्जन है जिसको नाम दिया हुआ है सरी लेरु वो कहाँ पे फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलने वाला है उसके ऊपर मैं डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा तेलुगु तमिल इन सभी वर्जन के ऊपर बातचीत करेंगे कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे और हिंदी वर्जन यूट्यूब पर कहाँ पर देखने को मिलेगा ऑफिशियली उसकी भी डिटेलिंग दे दूंगा इसके अलावा फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और

जिसको हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है सरीलेरू जहाँ से निक्योरू हटा दिया है सरीलेरू लेरू का फुल फॉर्म है नोबडी कैन यू जहाँ पे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसके अलावा इस फिल्म को 2020 में तेलुगु लैंग्वेज में एक्शन कॉमेडी जोनर के साथ रिलीज किया गया था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है राम बर्राम सुंकरणा ने जहां पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन पचहत्तर करोड़ था और उनके साथ इस फिल्म को जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए के इंटरटेनमेंट ने भी प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे के एंटरटेनमेंट्स ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इसके अलावा इस फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो अनिल रवि का है उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डेक्शन ये सभी चीज़ें अनिल रवि पुड़ी ने ही की हुई है इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो महेश बाबू रश्मिका मंदना आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे विजय शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद राव रमेश मुरली शर्मा पोषानी कृष्णा मुरली सत्यदेव कांचराना और ब्रह्मा जी आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे तनिकेला भरानी संगीता जयप्रकाश अजय रघु बाबू सुब्बा राजू विनेला किशोर राजीव कनकला बंदना गणेश सूर्या आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सत्या हरितेजा अभिनया रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन वो सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा तमन्ना का केम्योपीरियंस है डांग डांग सॉन्ग में अनिल रवि पुड़ी का भी क्रेडिट में केम्योपीरियंस है वहीं पे देवी श्री प्रसाद का भी एक केम्योपीरियंस है माइंड ब्लॉक वाला जो सॉन्ग है उसके ऊपर और शेखर का भी एक केम्योपीरियंस है जिन्होंने माइंड ब्लॉक सॉन्ग में अपीरियंस दिया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं और ये सभी किरदारों की बदौलत फिल्म की कहानी को उन्होंने बढ़िया सा एक अच्छा काम करके दिया हुआ है इसके अलावा हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी की हुई आर राथन वेलू ने जहाँ पे इस फिल्म का जो कलर टोन है कलर करेक्शन है इसके अलावा कैमरा वर्क है वो काफ़ी शानदार टॉप नोट देखने को मिलेगा एडिटिंग की हुए तमिल राजू ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक मिनट के आसपास ये फिल्म है दो घंटे और समझ लो पचास मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा लंबा है लेकिन सुपरस्टार की फिल्म है तो इस वजह से सभी चीज़ें आसानी से इग्नोर हो जाती है इस फिल्म को सिर्फ तेलुगू लैंग्वेज में बनाया गया था जहाँ पे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को और काफी बेहतरीन रिस्पांस भी मिला हुआ था इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूं कि महेश बाबू ने प्रॉपर अनाउंस किया होता कि एज ए लीड हीरो वो एक फिल्म में काम करने वाले जहाँ पे अनिल रवि उसको डायरेक्ट करने वाले और उस फिल्म का नाम है सरी लेरू निकेहरू फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी सेट की गई थी 31 मई 2019 को जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिली थी तो बताया गया था रश्मिका मंदना को महेश बाबू के अपोजिट कास्ट किया गया विजय शांति इस फिल्म के साथ कम बैक करने वाली फिल्मों में जो तेरह साल के बाद फिर से आ रही है तमन्ना का एक आपको पार्टी सॉन्ग सुनने को मिलेगा वहीं पे संगीता और बंडला गणेश भी काफ़ी सालों के बाद इस फिल्म से कम करने वाले तो ये थोड़ी बहुत कास्टिंग के ऊपर डिटेलिंग मिली हुई थी उसके बाद में बताया गया था फिल्मिंग के ऊपर कि फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में सेट किया गया था जुलाई पाँच से जुलाई बीस दो में इसके अलावा सेकंड शेड्यूल है वो सेट किया गया था कोंडा रेड्डी बुरुजू जो और रामोजी फिल्म सिटी है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था वो सेट और उसके बनाने में करीबन 40 मिलियन डॉलर लगे हुए थे सॉरी चालीस मिलियन रुपीस लगे हुए थे इंडियन करेंसी और 8 नवंबर 2019 तक फिल्म का एक केरला का शेड्यूल था वो भी शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था इस तरह से फिल्म के अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में फिल्म को दिसंबर 2019 तक पूरी तरह से पेचवर्क सॉन्ग के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म का म्यूज़िक प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का काम कम्प्लीट करवाया गया डबिंग का काम कम्प्लीट करवाया गया और उसके बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के गानों को कम्पोज किया हुआ देवीश्री प्रसाद ने और सॉन्ग्स भी उन्होंने ही उसके और साथ ही में बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा 2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 5 जनवरी 2020 तक सभी गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था यूट्यूब पे और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इन गानों के राइट्स खरीदे हुए लहरी म्यूजिक और टी सीरीज़ ने जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे सभी गानों की टोटल लेंथ है इक्कीस मिनट छः सेकंड गानों को तेलुगु तमिल और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी बनाया गया है जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज का मेन ट्रैक लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला गाना था माइंड ब्लॉग जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्रीमणि ने और देवीश्री प्रसाद ने सिंगर थे ब्लाज और रेनिना रेड्डी दूसरा गाना था सूर्दी वो चंद्रद्रिव्य उसके लिरिक्स रामजोग शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे बी प्राक तीसरा गाना था ही इज सो क्यूट उसके लिरिक्स लिखे हुए थे श्री मनी ने सिंगर थे मधु प्रिया चौथा गाना था सली एंथम जिसके लिरिक्स देवी श्री प्रसाद ने लिखे हुए थे सिंगर थे शंकर महादेवन पांचवा गाना था डांग डांग जिसमें तमन्ना पीरियंस करती है वो वाला पार्टी सॉन्ग है उसके लिरिक्स जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे नकाश सजीश और लविता लोबो और इन सभी गानों को तेलुगू और कन्नाडा वर्जन में भी डब किया गया था जहाँ पे तमिल सॉरी तमिल और कन्नडा वर्जन में भी गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में फिल्म का नाम था इवन को सरियाना आल इलाई वहीं पे कन्नड़ा वर्जन में मेजर अजय कृष्णा के नाम से फिल्म को डब करवाया गया था इस फिल्म के डब्ड वर्जन को तमिल वर्जन को 2020 में अवेलेबल किया गया था रिलीज़ किया गया था करीबन 200 थिएटर में तमिलनाडु में तमिल वर्ज़न को रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था इवन नुक्कू सरियाना आली लाई और मेजर अजय कृष्णा के नाम से कनाडा वर्जन को टेलीविज़न पर डायरेक्ट प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पर कनाडा डब वर्जन के राइट्स उड़िया टीवी ने खरीदे हुए थे कन्नाडा के वर्जन के लिए अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वो राइट्स क्योंकि तेलुगु फिल्म में कन्नड़ा वर्जन में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती है कर्नाटक में तेलुगु फिल्मों को काफ़ी सराहाया जाता है वहाँ पे दूसरे इंडस्ट्री की फिल्में जितनी भी सराहना होती है उसमें सबसे ज़्यादा कन्नड़ा फिल्मों को सॉरी तेलुगु फिल्मों को कर्नाटक में सराहना ज़्यादा मिलती है अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो महेश बाबू जो लीड रोल है मेजर अजय कृष्णा का वो प्ले करे प्यरा एस एफ ए इसके अलावा का मंदना अजय का लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करे जिनका नाम है समरुक्ति विजया शांति को भारती का रोल दिया गया था जो मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर थी प्रकाश राज ने एम एल नागेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक करप्ट मिनिस्टर है राजेंद्र प्रसाद आपको शिवा प्रसाद के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने अजय के कलिक का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश ने राघव का रोल प्ले किया हुआ है जो समरुक्ति के फादर है मुरली शर्मा आपको अजय के ब्रिगेडियर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर पोषाणी कृष्णा मुरली को सीआई नारायण का रोल दिया गया था सत्यदेव कांचराना ने एक इंपोर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ हुआ है है जो एक पेरा थे अजय नाम का रोल है वो उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भारती के भारतीय ब्रह्मा जी ने लोयर मृदुंगा राव का रोल प्ले किया हुआ है तनिकला भरानी को मिनिस्टर का रोल दिया गया था संगीता ने स्वम का रोल प्ले किया हुआ है जयप्रकाश रेड्डी ने नागेंद्र के पिता का रोल प्ले किया हुआ है अजय ने नागेंद्र के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे बाबू को टीचर का रोल दिया गया था टीचर तिरुपति राव वाला जो नागेंद्र के साइड थे वहीं पे सुबर जो को क्राइम ब्रांच कोटी का रोल दिया गया है वेनेला किशोर ने किशोर का रोल प्ले किया हुआ था जो क्राइम ब्रांच कोटी के असिस्टेंट थे राजीव कनकला को रामकृष्ण का रोल राम दिया गया था जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे बंडला गणेश को ब्लेड ब्ले। गणेश का रोल प्ले करने को दिया गया था सूर्या ने सूर्या राव का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने ट्रेन पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हरि तेजा को स्वेचा का रोल दिया गया था अभिनया रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन के रोल को नाम नहीं दिया गया था इसके अलावा तमन्ना का केम्यूअपीरियंस था डांग डांग सॉन्ग में अनिल रविपुड़ी का क्रेडिट में केम्यपीरियंस था देवी श्री प्रसाद और शेखर का माइंड ब्लॉक गाने में केमियो केम्योअपीरियंस था तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर अजय यानी कि वो रोल प्ले कर रहे हैं महेश बाबू जो एक पेरा एस है जो एक मिलिट्री ऑफिसर है जो इंडियन आर्मी के लिए सिंसियरली काम करते हुए आ रहे जो एक डेरिंग मिलिट्री ऑफिसर है दूसरी तरफ भारती जिसका रोल प्ले कर रहे विजय शांति जो एक सिंसियर प्रोफेसर है जो कर्नल सिटी में एक प्रोफेसर का काम करती हुई आ रहे काफ़ी लंबे समय से वो एक प्रॉब्लम में फंसती है और वो प्रॉब्लम है प्रकाश राज वो एक लोकल मिनिस्टर है और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते प्रकाश राज भारतीय और उसकी फैमिली को मारना चाहता है अब उसके लिए वो सभी चीज़ों करने के लिए वो एक प्लान क्रिएट करता है जब ये सभी चीज़ें जा रही होती है जब भारतीय उसकी फैमिली को उसके बच्चों को प्रकाश राज के गुंडे मारने आ रहे थे ठीक उसी समय अजय किसी तरह से कर्नला जाता है और उनको बचा लेता है अब ये भारती कौन है अजय का उससे कनेक्शन क्या है अजय क्यों कर्न लाया हुआ था ये सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है तो यही सब सवालों में फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है अनडाउटेडली सरिलेरू निकेवरू महेश बाबू का वन वे शो है जिस तरह से वो स्टार हीरो के तौर पे हमारे सामने एक मैग्नमस तरीके से अपने रोल को डिलीवर करते उसमें जो डिफरेंट वेरिएशन लाते वो सभी चीज़ें हमें पसंद आती है महेश बाबू का मास क्लास एक्शन अवतार वो सभी चीज़ों को सुपर मैनर में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है उसको जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसने बेहतरीन वे में महेश बाबू ने डिलीवर किया हुआ है जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें फैंस के साथ साथ न्यूट्रल ऑडियंस को भी पसंद आएगी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में महेश बाबू वैसे डांस तो नहीं करते उतना कुछ लेकिन माइंड ब्लॉक गाने में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो आपको जरूर इंप्रेसिव लगेगा जो सभी चीज़ें ऑडियंस के लिए एक ट्रीट मानी जाएगी इसके अलावा फिल्म की फिल्म में जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रश्मिका मंदना के साथ वो भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे रश्मिका मंदना के साथ जितने भी ट्रेन एपिसोड क्रिएट किए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे और उसके ऊपर रश्मिका मंदना ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है वो अपने रोल में काफ़ी फनी नज़र आ रही थी उनके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट करने में कामयाब रही है रश्मिका मंदना ने जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ काम किया हुआ है अपनी डायलॉग डिलीवरी में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में अपने किरदार के साथ जो वन लाइनर्स थे जो कॉमेडी पंचीज थे उसको अच्छी तरह से उन्होंने डिलीवर किया हुआ था जिस वजह से रश्मिका मंदना का जो जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा इसके अलावा फिल्म में संगीता देखने को मिलती है जिनको डिसेंट रोल दिया गया है काफी लंबे समय के बाद वो तेलुगु फिल्मों में नजर आ रही थी जिसमें उनका काम अच्छा था राजेंद्र प्रसाद का एक नीट सपोर्टिंग रोल था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे राव रमेश मुरली शर्मा अजय सभी लोग की रोल प्ले कर रहे थे जिसमें वो सभी लोग इम्प्रेसिव नज़र आ रहे थे अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे थे एक नेचुरल परफॉर्मेंस दे रहे थे शो so कॉल्ड जो ट्रेन एपिसोड देखने को मिलते वो पूरी तरह से हाइप क्रिएट की गई थी उसको फुलफिल करने में कामयाब रहते वहाँ पर काफ़ी बढ़िया एंटरटेनमेंट क्रिएट होता है बंडला गणेश ने जिस तरह से कुछ कॉमेडी मोमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा विजया शांति ने एक शो It, किया हुआ है उनका रोल फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट तरीके से पेश किया हुआ है उसकी लिखावट काफी बढ़िया थी उस रोल की फिल्म में काफी अहमियत थी जिसको उन्होंने अच्छी तरह से निभाया हुआ है फिल्म में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में सीरियसनेस और बढ़िया तरीके से एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में कामयाब रहता है उनके डायलॉग डिलीवरी में वो पावरफुल बात नज़र आ रही थी जिस तरह से उन्होंने महेश भाव के साथ जो केमिस्ट्री शेयर की हुई है वो फिल्म को और चार चांद लगा देती है प्रकाश राज एज एक्सपेक्टेड जिस तरह से विलन का रोल प्ले कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उसमें नज़र आ रहे थे और अपने सेटायर कॉमेडी के साथ ये जो फन क्रिएट करने में वो कामयाब रहे थे वो आपस जरूर पसंद आएगा फिल्म का फर्स्ट आप काफी एंटरटेनिंग मैनर में, में दिखाया गया है जहाँ पे पेट्रोटिज्म वाली भी फीलिंग देखने को मिलती है फिल्म के स्टार्टिंग में कुछ फाइट सिक्वेंस देखने को मिलते हैं इसके बाद में ट्रेन एपिसोड आता है वहाँ पे कुछ कॉमेडी और फैमिली मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल वो एक अच्छा मिक्सअप क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा इंटरवल बैंग आपको देखने को मिलता है फिल्म का जो बेसिक एसेट है वो फिल्म में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई, जिस तरह से रेगुलर इंटरवल पे लोगों को, वो वो को जहाँ पे फिल्म का जो गाना है फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था जिस तरह से गानों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था सीन के साथ जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर बन बढ़ता है वो अच्छी तरह से एक अच्छा सीन क्रिएट करता है इमोशनल कॉमेडी डिपार्टमेंट में भी जो म्यूजिक डाला हुआ है वो बढ़िया था फिल्म की स्टोरी लाइन जरूर वीक थी उसके ऊपर और बेहतर वे में काम किया जा सकता था उसमें कुछ नोवेल्टी नजर नहीं आ रही थी जहां पे जितने टी स्टोर देखने को मिलते हैं वो उतने बेहतर वे में वर्क नहीं करते क्योंकि वो सभी चीजें आसानी से प्रिडिक्ट हो जाती है फिल्म की जिस तरह से डायरेक्शन किया हुआ था जिस जिसनेशन किया हुआ था वो पूरी तरह से रूटीन नजर आ रहा था फिल्म का सेकंड हाफ पहले हाफ के मुकाबले काफी ज्यादा रूटीन और जिस तरह से हीरो विलन के सीन दिखाए हुए थे वो सभी चीजें पहले हमने कई फिल्मों में देखी हो उसी टाइप की नज़र आ रही थी उसमें कुछ नयापन नज़र नहीं आ रहा था उसको दिखाने का तरीका उतना बेहतर नहीं था उसका एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नजर नहीं आ रहा था फिल्म का क्लाइमेक्स थोड़ा डल नज़र आएगा और स्लाइटली ओवर दी टॉप भी नज़र आएगा वहाँ पर मिक्स क्री रिएक्शन देखने को मिलेंगे एंडिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कुछ सीली नज़र आ रही थी तो कुछ ऑडियंस को वो पसंद भी आएगी इसके अलावा फिल्म को करीबन पंद्रह मिनट जितना सेकेंड हाफ में बेहतर वे में दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म का टेम्पो अच्छी तरह से ड्रॉप करते वो रूटीन फाइट सीक्वेंस और सीन्स के थ्रू जिसकी वजह से डायरेक्टर रवि रविपुरी अपने आइडिया जो लाए थे हीरोइज्म वाला जो कन्फ्रंटेशन सीन वाले प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में वो पूरी तरह से उतना अच्छा खासा वर्क नहीं करता है इस फिल्म में जो म्यूजिक है उसका काम काफ़ी शानदार है काफ़ी सॉलिड जो फिल्म को एक बड़ा एडवांटेज देता है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नोट थी जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी फिल्म का कलर टोन बढ़िया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी जहाँ पे कैमरा और कितना बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है जो अलग अलग लोकेशन थे जो सीन थे जिस तरह से कर्नल का बैकड्रॉप दिखाया हुआ था कोंडा रेड्डी बुर्जू का लुक्स दिखाया हुआ था जो सभी चीज़ें को काफ़ी अच्छी तरह से मेकअप मेकरस ने क्रिएट करके हमारे सामने पेश किया हुआ है जहाँ पे कैमरा ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है इसके अलावा जो दो सॉन्ग को कम्पोज किया हुआ था उसके ऊपर जो कोरियोग्राफी देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है जहाँ पे स्पेशली माइंड ब्लॉक वाले गाने में काफ़ी बढ़िया कोरियोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं जहाँ पे कुछ वन डायन साहब को जरूर हंसाने कामयाब रहेंगे कुछ मास पंचीज देखने को मिलते हैं जो जरूर अच्छा खासा इम्पेक्ट क्रिएट करते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में बढ़िया था वहीं पर सेकेंड हाफ में उतना कुछ खास नहीं था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से फन क्रिएट किया हुआ था जिस तरह से इंटरवल तक फिल्म की कहानी को सेट किया जाता है वो बढ़िया नजर आ रहा था लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को रेजी मैनर में दिखाया हुआ था जिस को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था इस फिल्म एडिटिंग के थ्रू के काम किया जा सकता था महेश बाबू को अच्छी तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था अनिल रवि ने फिल्म के साथ अच्छा खासा काम किया हुआ है वहीं पे उन्होंने महेश बाबू के किरदार को जिस तरह से मजबूती के साथ शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हीरोइज़्म वाला किरदार दिखाया हुआ है ही में इमोशनल कंटेंट भी डाला हुआ है इस फिल्म में कॉमेडी भी उन्होंने डाली हुई है जो इन रेगुलर इंटरवल पर हमें हसाती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के बेसिक कैसेट है लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने हर बार जल्दबाजी में क्लाइमैक्स को हमारे सामने कन्विस्ट इतना कुछ कन्विंस मैनर में नहीं दिखाया हुआ है जिस वजह से वो सभी चीज़ थोड़ी कम पसंद आ सकती है तो ओवरऑल सरिल नेहरू निकेवर एक ऐसा मिक्स रिस्पॉन्स वाली फिल्म है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बो देखने को मिलता है ये मल्टी जोनर फिल्म है जहाँ पे एक्सान रोमांस ड्रामा पेट्रोटिज्म सभी टाइप की फीलिंग नजर आएगी और ये एक परफेक्ट इंटरटेनर है जिसमें बढ़िया तरीके से रेगुलर इंटरवल पे कॉमेडी आपको हंसाने में कामयाब रहती है कुछ अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं मास सिक्वेंस देखने को मिलते और ओवरऑल और और ये फिल्म महेश बाबू के लिए देखी जा सकती है उनकी मास फाइट उनके गानों में जो डांस है जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए जो एक्शन सिक्वेंस वो सभी चीज़ें फिल्म को और बढ़िया बनाती है सिर्फ क्लाइमेक्स थोड़ा फिल्म का वीक है सेकंड अब थोड़ा स्लाइटली खींचा हुआ है अदरवाइज़ ये फिल्म फैंस और मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है जिस तरह से महेश बाबू को प्रेजेंट किया हुआ है वो बढ़िया है तो ओवरऑल इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है जहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा खासी तरीके से क्रिएट किया हुआ है फैंस के लिए तो इसे मिस नहीं करना चाहिए रिलीज़ के ऊपर बात करें तो ग्यार ग्यारह जनवरी दो को इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आई पे करीबन आठ के आसपास वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई

साठ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था वर्ल्ड वाइड तो तेलुगु फिल्मों के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज में आने वाली फिल्म के हिसाब से इस फिल्म काफी बढ़िया काफी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था फिल्म ने कहीं रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे जिसके चलते इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था फिल्म को कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे जहाँ पे कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेस भी किया गया था अब हम बात कर लेते इस फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा हिंदी सभी वर्ज़न में कहाँ पे देख सकते हो तो इस फिल्म को तेलुगु वर्ज़न में आप देख सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जिन्होंने बड़ी प्राइज में इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए उन्होंने एक मार्च 2020 के बाद इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सन नेटवर्क ने जिन्होंने फिल्म को जेमिनी टी वी प्रीमियर करवाया हुआ था सबसे पहली बार और अब आपको जेमिनी टी के ऊपर ये फिल्म देखने को मिल जाएगी सर के औरों के साथ तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहीं ऊपर तेलुगु वर्जन में ये फिल्म देखने को मिलेगी फिल्म का तमिल डब्ड वर्जन इवन नो सरियाना आल इलाई जिसके राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार ने जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तमिल डब्ड वर्जन के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पे आप डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इवन नुकू सरियाना अल इले नाम के साथ सरी लेरूनी के और फिल्म तमिल डब्ड वर्जन में देख सकते हो वहीं पे कन्नडा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो मेजर अजय कृष्णा के नाम से इस फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे उड़िया टीवी के ऊपर फिल्म को फिल्म के डब्ड वर्जन को प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे अब बात करें हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर तो हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स रिलीज से पहले ही गोलमाइंस वालों ने काफ़ी बड़ी रकम में खरीदे हुए थे इस बाद में इस फिल्म की डबिंग उन्होंने सरी लेरू नाम के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से सरी लेरू निकरू को हटा के जहाँ पे सरी लेहरू सिर्फ नाम रख के फिल्म को डब कम्प्लीट करवाया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला फिल्म के गानों को डब नहीं करवाया हुआ है तो गोलमायंस वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे गोलमस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर सर्व सरी लेरू नाम के साथ हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे यूट्यूब पे गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में विथ इंग्लिश सब इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको सरी लेहरू निकेवरू फिल्म का जो हिंदी डब्डो वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है टेलीविज़न और यूट्यूब के दोनों के तो जहाँ पे टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म सरी लेरू के नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे यूट्यूब पे ये फिल्म आपको गोलमाइंस के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी डब वर्जन में बिल्कुल फ्री में सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे सरी लेरू निके जिसको हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है सरी लेरू जहाँ से निके हटा दिया है सरी लेरू निक्योरू का फुल फॉर्म है नोबड़ी कैन यू जहाँ पे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसके अलावा इस फिल्म को 2020 में तेलुगु लैंग्वेज में एक्शन कॉमेडी जोनर के साथ रिलीज किया गया था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है राम बर्रम सुना ने जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन पचहत्तर करोड़ था और उनके साथ इस फिल्म को जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एक के इंटरटेनमेंट ने भी प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे एक एंटरटेनमेंट ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इसके अलावा इस फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो अनिल रवि का है उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ये सभी चीजें अनिल रवि पुड़ी ने ही की हुई है इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो महेश बाबू रश्मिका मंदना आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे विजय शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद राव रमेश मुरली शर्मा पोषानी कृष्णा मुरली सत्यदेव कांचराना और ब्रह्मा जी आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे तनिकेला भरानी संगीता जयप्रकाश अजय रघु बाबू सुब्बा राजू वेनेला किशोर राजीव कनकला बंदना गणेश सूर्या आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सत्या हरितेजा अभिनया रंजिता गौतम राजू दुआसी मोहन वो सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा तमन्ना का केम्यो अपीरियंस है डांग डांग सॉन्ग में अनिल रवि पुड़ी का भी क्रेडिट में केम्यो अपीरियंस है वहीं पे देवी श्री प्रसाद का भी एक केम्यो अपीरियंस है माइंड ब्लॉक वाला जो सॉन्ग है उसके ऊपर और शेखर का भी एक केम्यो अपीरियंस है जिन्होंने माइंड ब्लॉक सॉन्ग में अपीरेंस दिया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं और ये सभी किरदारों की बदौलत फिल्म की कहानी को उन्होंने बढ़िया सा एक अच्छा काम करके दिया हुआ है इसके अलावा हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी की हुए आर राथन वेलू का जो कलर टोन है कलर करेक्शन है इसके अलावा कैमरा वर्क है वो काफी शानदार टॉप नोट देखने को मिलेगा एडिटिंग की हुए तमिल राजू ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि एक मिनट के आसपास ये फिल्म है दो घंटे और समझ लो पचास मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा लंबा है लेकिन सुपरस्टार की फिल्म है तो इस वजह से सभी चीज़ें आसानी से इग्नोर हो जाती है इस फिल्म को सिर्फ तेलुगू लैंग्वेज में बनाया गया था जहाँ पर वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को और काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूँ कि महेश बाबू ने प्रॉपर अनाउंस किया होता कि एज ए लीड हीरो वो एक फिल्म में काम करने वाले जहाँ पे अनिल रवि उसको डायरेक्ट करने वाले और उस फिल्म का नाम है सरी लेरू निकेरु फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी सेट की गई थी 31 मई 2019 को जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिली थी तो बताया गया था कि रश्मि रश्मिका मंदना को महेश बाबू के अपोजिट कास्ट किया गया विजय शांति इस फिल्म के साथ कमबेक करने वाली है फिल्मों में जो तेरह साल के बाद फिर से आ रही है तमन्ना का एक आपको पार्टी सॉन्ग सुनने को मिलेगा वहीं पे संगीता और बंडला गणेश भी काफ़ी सालों के बाद इस फिल्म से कमबेक करने वाले तो ये थोड़ी बहुत कास्टिंग के ऊपर डिटेलिंग मिली हुई थी उसके बाद में बताया आया गया था फिल्मिंग के ऊपर की फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में सेट किया गया था जुलाई 5 से जुलाई 20 2019 में इसके अलावा सेकंड शेड्यूल वो सेट किया गया था कोंडा रेड्डी पुरुजू जो और रामोजी फिल्म सिटी है वहां पे कंस्ट्रक्ट किया गया था वो सेट और उसके बनाने में करीबन 40 मिलियन डॉलर लगे हुए थे सॉरी 40 मिलियन रुपइज लगे हुए थे इंडियन करेंसी और 8 नवंबर 2019 तक फिल्म का एक केरला का शेड्यूल था वो भी शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था इस तरह से फिल्म के अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में फिल्म को दिसंबर 2019 तक पूरी तरह से पेचवर्क सॉन्ग के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म का म्यूजिक प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम कम्प्लीट करवाया गया डबिंग का काम कम्प्लीट करवाया गया और उसके बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के गानों को कंपोज़ किया हुआ देवी प्रसाद ने और सॉन्ग्स भी उन्होंने ही कंपोज और साथ ही में बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा 2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 5 जनवरी 2020 तक सभी गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था यूट्यूब पे और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इन गानों के राइट्स खरीदे हुए लहरी म्यूजिक और टी सीरीज़ ने जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे सभी गानों की टोटल लेंथ है इक्कीस मिनट छः सेकंड गानों को तेलुगु तमिल और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी बनाया गया है जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज का मेन ट्रैक लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला गाना था माइंड ब्लॉग जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्रीमणि ने और देवश्री प्रसाद ने सिंगर थे ब्लास और रेनिना रेड्डी दूसरा गाना था वो चंद्रद्रव्य उसके लिरिक्स रामजोग शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे बी प्राक तीसरा गाना था ही इज सो क्यूट उसके लिरिक्स लिखे हुए थे श्री मनी ने सिंगर थे मधु प्रिया चौथा गाना था निके रो एंथम जिसके लिरिक्स देवी श्री प्रसाद ने लिखे हुए थे सिंगर थे शंकर महादेवन पांचवा गाना था डांग डांग जिसमें तमन्ना अपीरियंस करती है वो वाला पार्टी सॉन्ग है उसके लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे नका अजीस और लविता लोबो और इन सभी गानों को तेलुगू और कन्नाडा वज़न में भी डब किया गया था जहाँ पे तमिल सॉरी तमिल और कन्नडा वर्जन में भी गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में फिल्म का नाम था इवन नो को सरियाना आल इलाई वहीं पे कन्नडा वर्जन में मेजर अजय कृष्णा के नाम से फिल्म को डब करवाया गया था इस फिल्म के डब्ड वर्जन को तमिल वर्जन को 2020 में अवेलेबल किया गया था रिलीज किया गया था करीबन 200 थिएटर में तमिलनाडु में तमिल वर्जन को रिलीज किया गया था जिसका नाम था इवन नुक्कू सरियाना आली लाई और मेजर अजय कृष्णा के नाम से कनाडा वर्जन को टेलीविज़न पर डायरेक्ट प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पर कनाडा डब वर्जन के राइट्स उड़िया टीवी ने खरीदे हुए थे कन्नाडा के वर्जन के लिए अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वो राइट्स क्योंकि तेलुगु फिल्म में कन्नाड़ा वर्जन में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती है कर्नाटक में तेलुगु फिल्मों को काफ़ी सराहाया जाता है वहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री की फिल्म में जितनी भी सराहना होती है उसमें सबसे ज़्यादा कन्नाड़ा फिल्मों सॉरी तेलुगु फिल्मों को, को कर्नाटक में सराहना ज़्यादा मिलती है अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो महेश बाबू जो लीड रोल है मेजर अजय कृष्णा का वो प्ले कर रहे पेरा एस एफ ए इसके अलावा रश्मिका मंदना अजय का लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करे जिनका नाम है समरुक्ति विजय शांति को भारती का रोल दिया गया था जो मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर थी प्रकाश राज ने एम एल युद्धम नागेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक करप्ट मिनिस्टर है राजेंद्र प्रसाद आपको शिवा प्रसाद के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने अजय के कलिक का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश ने राघव का रोल प्ले किया हुआ है जो समरुक्ति के फादर है मुरली शर्मा आपको अजय के ब्रिगेडियर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे पोषानी कृष्णा मुरली को सीआई नारायण का रोल दिया गया था सत्यदेव कांचराना ने एक इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है जो एक पेरा एसेप थे अजय नाम का रोल है वो उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भारती के बेटे है ब्रह्मा जी ने लॉयर मृदुंगा राव का रोल प्ले किया हुआ है तनिकला भरानी को मिनिस्टर का रोल दिया गया था संगीता ने सोमजय का रोल प्ले किया हुआ है जयप्रकाश रेड्डी ने नागेंद्र के पिता का रोल प्ले किया हुआ है अजय ने नागेंद्र के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ वहीं पे रघु बाबू को टीचर का रोल दिया गया था टीचर तिरुपति जो क्राइम ब्रांच कोटी के असिस्टेंट थे राजीव कनकला को, को, को रामकृष्ण का रोल दिया गया था जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे बंडला गणेश को ब्लेड गणेश का रोल प्ले करने को दिया गया था सूर्या ने सूर्या राव का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने ट्रेन पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हरी तेजा को स्वेच्छा का रोल दिया गया था अभिनया रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन के रोल को नाम नहीं दिया गया था इसके अलावा तमन्ना का केम्यपियंस था डांग डांग सॉन्ग में अनिल रविपुड़ी का क्रेडिट में केमियो देवी श्री प्रसाद और शेखर का माइंड ब्लॉक गाने में केमियो था तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर अजय यानी कि वो रोल प्ले कर रहे हैं महेश बाबू जो एक पेरा एस एफ है जो एक मिलिट्री ऑफिसर है जो इंडियन आर्मी के लिए सिंसियरली काम करते हुए आ रहे जो एक डेरिंग मिलिट्री ऑफिसर है दूसरी तरफ भारती जिसका रोल प्ले कर रहे विजय शांति जो एक प्रोफेसर है जो करनुल सिटी में एक प्रोफेसर का काम करते हुए आ रहे काफ़ी लंबे समय से वो एक प्रॉब्लम में फंसती है और वो प्रॉब्लम है प्रकाश राज वो एक लोकल मिनिस्टर है और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते प्रकाश राज भारतीय और उसकी फैमिली को मारना चाहता है अब उसके लिए वो सभी चीज़ों करने के लिए वो एक प्लान क्रिएट करता है जब ये सभी चीज़ें जा रही होती है जब भारतीय उसकी फैमिली को उसके बच्चों को प्रकाश राज के गुंडे मारने आ रहे थे ठीक उसी समय अजय किसी तरह से कर्नूला जाता है और उनको बचा लेता है अब ये भारती कौन है अजय का उससे कनेक्शन क्या है अजय क्यों कर्नू लाया हुआ था ये सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है तो यही सब सवालों में फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है अनडाउटेडली सरिलेरू निकेरू महेश बाबू का वन वे शो है जिस तरह से वो स्टार हीरो के तौर पे हमारे सामने एक मैग्नमस तरीके से अपने रोल को डिलीवर करते उसमें जो डिफरेंट वेरिएशन लाते वो सभी चीज़ें हमें पसंद आती है महेश बाबू का मास क्लास एक्शन अवतार वो सभी चीज़ों को सुपर मेनर में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है उसको जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसने बेहतरीन वे में महेश बाबू ने डिलीवर किया हुआ है जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें फैंस के साथ साथ न्यूट्रल ऑडियंस को भी पसंद आएगी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीज़ें बढ़िया नज़र आ रही थी साथ ही में महेश बाबू वैसे डांस तो नहीं करते उतना कुछ लेकिन माइंड ब्लॉक गाने में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो आपको ज़रूर इम्प्रेसिव लगेगा जो सभी चीज़ें ऑडियंस के लिए एक ट्रीट मानी जाएगी इसके अलावा फिल्म की फिल्म में जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रश्मिका मंदना के साथ वो भी काफी बढ़िया नजर आ रही थी जहाँ पे रश्मिका मंदना के साथ जितने भी ट्रेन एपिसोड क्रिएट किए हुए वो काफी बढ़िया थे और उसके ऊपर रश्मिका मंदना ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ है वो अपने रोल में काफी फनी नजर आ रही थी उनके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो काफी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट करने में कामयाब रही है रश्मिका मंदना ने जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ काम किया हुआ है अपनी डायलॉग डिलीवरी में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में अपने किरदार के, के साथ जो वन लाइनर्स थे जो कॉमेडी पंचीज थे उसको अच्छी तरह से उन्होंने डिलीवर किया हुआ था जिस वजह से रश्मिका मंदना का जो जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा इसके अलावा फिल्म में संगीता देखने को मिलती है जिनको डिसेंट रोल दिया गया है काफी लंबे समय के बाद वो तेलुगु फिल्मों में नजर आ रही थी जिसमें उनका काम अच्छा था राजेंद्र प्रसाद का एक नीट सपोर्टिंग रोल था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे राव रमेश मुरली शर्मा अजय सभी लोग की रोल प्ले कर रहे थे जिसमें वो सभी लोग इम्प्रेसिव नजर आ रहे थे अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे थे एक नेचुरल परफॉर्मेंस दे रहे थे शो कॉल्ड जो ट्रेन एपिसोड्स देखने को मिलते वो पूरी तरह से हाइप क्रिएट की गई थी उसको फुलफिल करने में कामयाब रहते हैं वहाँ पर काफी बढ़िया एंटरटेनमेंट क्रिएट होता है बंडला गणेश ने जिस तरह से कुछ कॉमेडी मोमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था वो आपको जरूर पसंद आएगा विद्या शांति ने सॉलिड इड कम किया हुआ है उनका रोल फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट तरीके से पेश किया हुआ है उसकी लिखावट काफी बढ़िया थी उस रोल की फिल्म में काफी अहमियत थी जिसको उन्होंने अच्छी तरह से निभाया हुआ है फिल्म में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में सीरियसनेस और बढ़िया तरीके से एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में कामयाब रहता है उनके डायलॉग डिलीवरी में वो पावरफुल बात नज़र आ रही थी जिस तरह से उन्होंने महेश भाव के साथ जो केमिस्ट्री शेयर की हुई है वो फिल्म को और चार चांद लगा देती है प्रकाश राज एज एक्सपेक्टेड जिस तरह से विलन का रोल प्ले कर रहे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उसमें नजर आ रहे थे और अपने सेटायर कॉमेडी के साथ ये जो फन क्रिएट करने में वो कामयाब रहे थे वो आपस जरूर पसंद आएगा फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग मैनर में, में दिखाया गया है पे पेट्रोटिज्म पेट्रोटिज्मी भी फीलिंग देखने को मिलती है फिल्म के स्टार्टिंग में कुछ फाइट सिक्वेंस देखने को मिलते हैं इसके बाद में ट्रेन एपिसोड आता है वहाँ पे कुछ कॉमेडी और फैमिली मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल वो एक अच्छा मिक्सअप क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा इंटरवल बैंग आपको देखने को मिलता है फिल्म का जो बेसिक एसेट है वो फिल्म में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है जिस तरह से रेगुलर इंटरवल पे लोगों को एंगेज करते हैं कॉमेडी के साथ वो है वो फिल्म को आसानी से एंटरटेनिंग बनाता है इसके अलावा फिल्म में डीएसपी का जो म्यूजिक है वो फिल्म का अनदर एक के एसेट पॉइंट है जहां पे फिल्म का जो गाना है फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था जिस तरह से गानों को सेट किया होता वो बढ़िया था सीन के साथ जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर बन बढ़ता है वो अच्छी तरह से एक अच्छा मास एलिवेशन सीन क्रिएट करता है इमोशनल

पहले हमने कई फिल्म हम देखी हो उसी टाइप की नज़र आ रही थी उसमें कुछ नयापन नज़र नहीं आ रहा था उसको दिखाने का तरीका उतना बेहतर नहीं था उसका एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था फिल्म का क्लाइमेक्स थोड़ा डल नज़र आएगा और स्लाइटली ओवर दी टॉप भी नज़र आएगा वहाँ पर मिक्स क्री रिएक्शन देखने को मिलेंगे एंडिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कुछ सीली नज़र आ रही थी तो कुछ ऑडियंस को वो पसंद भी आएगी इसके अलावा फिल्म को करीबन पंद्रह मिनट जितना सेकंड हाफ में बेहतर वे में दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म का टेम्पो अच्छी तरह से ड्रॉप करते वो रूटीन फाइट सीक्वेंस और सीन्स के थ्रू जिसकी वजह से डायरेक्टर रविन रवि पुरी, पुरी, पुरी अपने आइडिया जो लाए थे हीरोइज़्म वाला जो कन्फ्रंटेशन सीन वाले प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में वो पूरी तरह से उतना अच्छा खासा वर्क नहीं करता है इस फिल्म में जो म्यूजिक है उसका काम काफ़ी शानदार है काफ़ी सॉलिड जो फिल्म को एक बड़ा एडवांटेज देता है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नोट थी जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म का कलर टोन बढ़िया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी जहाँ पे कैमरा और कितना बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है जो अलग अलग लोकेशन थे जो सीन थे जिस तरह से कर्न का बैकड्रॉप दिखाया हुआ था कोंडा रेड्डी बुर्जू का लुक्स दिखाया हुआ था जो सभी चीज़ें को काफ़ी अच्छी तरह से मेकअप मेकरस ने क्रिएट करके हमारे सामने पेश किया हुआ है जहाँ पे कैमरा ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है इसके अलावा जो दो सॉन्ग को कम्पोज किया हुआ था के ऊपर जो कोरियोग्राफी देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है जहाँ पे स्पेशियली माइंड ब्लॉक वाले गाने में काफ़ी बढ़िया कोरियोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं जहाँ पे कुछ पंडाइनर आपको जरूर हंसाने कामयाब रहेंगे कुछ मास पंचीज देखने को मिलते जो ज़रूर अच्छा खासा इम्पेक्ट क्रिएट करते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में बढ़िया था वहीं पर सेकेंड हाफ़ में उतना कुछ खास नहीं था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से फन क्रिएट किया हुआ था जिस तरह से इंटरवल तक फिल्म की कहानी को सेट किया जाता है वो बढ़िया नजर आ रहा था लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को रेजी मैनर में दिखाया हुआ था जिस को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था <coughs> इस फिल्म में एडिटिंग के थ्रू कई काम किया जा सकता था महेश बाबू को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था अनिल रवि ने फिल्म के साथ अच्छा खासा काम किया हुआ है वहीं पे उन्होंने महेश बाबू के किरदार को जिस तरह से मजबूती के साथ शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हीरोइज्म वाला किरदार दिखाया हुआ है साथ ही में इमोशनल कंटेंट भी डाला हुआ है इस फिल्म में कॉमेडी भी उन्होंने डाली हुई है जो इंग्रेगुलर इंटरवल पर हमें हसाती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के बेसिक एसेट है लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने हर बार जल्दबाजी में क्लाइमैक्स को हमारे सामने कन्विंस इतना कुछ कन्विंस में नहीं दिखाया हुआ जिस वजह से वो सभी चीजें थोड़ी कम पसंद आ सकती है तो ओवरऑल सरिल नेहरू निकेरू एक ऐसा मिक्स रिस्पॉन्स वाली फिल्म है जहां पे काफी सारी चीजों का कॉम्बो देखने को मिलता है ये मल्टी जोनर फिल्म है जहाँ पे एक्शन रोमेंस ड्रामा पेट्रोटिज्म सभी टाइप की फीलिंग नज़र आएगी और ये एक परफेक्ट इंटरटेनर है जिसमें बढ़िया तरीके से रेगुलर इंटरवल पे कॉमेडी आपको हंसाने में कामयाब रहती है कुछ अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं मास सीक्वेंस देखने को मिलते हैं और ओवरऑल और और ये फिल्म महेश बाबू के लिए देखी जा सकती है उनकी मास फाइट उनके गानों में जो डांस है जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए जो एक्शन सिक्वेंस वो सभी चीज़ें फिल्म को और बढ़िया बनाती है सिर्फ क्लाइमेक्स थोड़ा फिल्म का वीक है सेकंड अब थोड़ा स्लाइटली खींचा हुआ है अदरवाइज़ ये फिल्म फैंस और मास ऑडियंस को जरूर पसंद आने वाली है जिस तरह से महेश बाबू को प्रेजेंट किया हुआ है वो बढ़िया है तो ओवरऑल इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है जहाँ पे फिल्म को काफी अच्छा खासी तरीके से क्रिएट किया हुआ है फैंस के लिए तो इसे मिस नहीं करना चाहिए रिलीज के ऊपर बात करें तो ग्यारह जनवरी दो को इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे आई पे करीबन आठ के आसपास वोट मिले हुए जिसमें पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से पिछहत्तर करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ था जिस वजह से इस फिल्म ने करीबन दिनों पचास दिनों के ऊपर 2020 में जहां पे अलाम फिल्म एक साथ में आई थी लेकिन दोनों फिल्में अच्छी खासी तरीके से वर्क कर गई और दोनों फिल्मों ने ढाई करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया इस फिल्म ने भी पिछहत्तर करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने करीबन दो करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था वर्ल्ड वाइड तो फिल्मों के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज में आने वाली फिल्म के हिसाब से इस फिल्म में काफी बढ़िया काफी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था फिल्म ने कहीं रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे जिसके चलते इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था फिल्म को कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे जहाँ पे कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेज भी किया गया था अब हम बात कर लेते इस फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में कहाँ पे देख सकते हो तो इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में आप देख सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जिन्होंने बड़ी प्राइस में इस फिल्म के राइट्स ख़रीदे हुए उन्होंने एक मार्च 2020 के बाद इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे सैटेलाइट राइट्स ख़रीदे हुए सन नेटवर्क ने जिन्होंने फिल्म को जेमिनी टी वी प्रीमियर करवाया हुआ था सबसे पहली बार और अब आपको जेमिनी टी के ऊपर ये फिल्म देखने को मिल जाएगी सरले रू निकेरू के साथ तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहीं पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलगु वर्जन में ये फिल्म इंग्लिश सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी फिल्म का तमिल डब्ड वर्जन यानी इवन नो सर आल इलाई जिसके राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार ने जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तमिल डब्ड वर्जन के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पे आप डिजनी प्लस होर स्टार के ऊपर इवन सरियाना नुकू नाम के साथ सर लेरूनी और फिल्म तमिल डब्ड वर्जन में देख सकते हो वहीं पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो मेजर अजय कृष्णा के नाम से इस फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे उड़िया टीवी के ऊपर फिल्म को फिल्म के डब्ड वर्जन को प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे अब बात करें हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर तो हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स रिलीज से पहले ही गोलमाइंस वालों ने काफ़ी बड़ी रकम में खरीदे हुए थे इस बाद में इस फिल्म की डबिंग उन्होंने सरी लेरु नाम के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से सरी लेरू निकरू को हटा के जहाँ पे सरी लेहरू सिर्फ नाम रख के फिल्म को डब कम्प्लीट करवाया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला फिल्म के गानों को डब नहीं करवाया हुआ है तो गोलमायंस वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे गोलमानस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर सरीलेरू सरी, सरी लेरू नाम के साथ हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे यूट्यूब पे गोल के YouTube चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में विथ इंग्लिश सब इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको सरी लेरू निकेवरू फिल्म का जो हिंदी डब्लू वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है टेलीविज़न और यूट्यूब के दोनों के तो जहाँ पे टेलीविजन के ऊपर ये फिल्म सरी लेरू के नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर यूट्यूब पर ये फिल्म आपको गोलमाइंस के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी डब्लू वर्जन में बिल्कुल फ्री में सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे सरी लेरू निक्योरू जिसको हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है सरी लेहरू जहाँ से निक्यू हटा दिया है सरी लेरू निक्या का फुल फॉर्म है नोबडी कैन यू जहाँ पे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसके अलावा इस फिल्म को 2020 में तेलुगु लैंग्वेज में एक्शन कॉमेडी जोनर के साथ रिलीज किया गया था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है राम बर्राम सुंकरणा ने जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन पचहत्तर करोड़ था और उनके साथ इस फिल्म को जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एक के इंटरटेनमेंट ने भी प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे एक एंटरटेनमेंट ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इसके अलावा इस फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो अनिल रविपुड़ी का है उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ये सभी चीजें अनिल रवि पुड़ी ने ही की हुई है इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो महेश बाबू रश्मिका मंदना आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे विजय शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद राव रमेश मुरली शर्मा पोषानी कृष्णा मुरली सत्यदेव कांचराना और ब्रह्मा जी आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे तनिकेला भरानी संगीता जयप्रकाश अजय रघु बाबू सुब्बा राजू विनेला किशोर राजीव कनकला बंदना गणेश सूर्या आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सत्या हरितेजा अभिनया रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन वो सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा तमन्ना का केम्योपीरियंस है डांग डांग सॉन्ग में अनिल रवि पुड़ी का भी क्रेडिट में केम्यो अपीरियंस है वहीं पे देवी श्री प्रसाद का भी एक केम्योपीरियंस है माइंड ब्लॉक वाला जो सॉन्ग है उसके ऊपर और शेखर का भी एक केम्योपीरियंस है जिन्होंने माइंड ब्लॉक सॉन्ग में अपीरियंस दिया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं और ये सभी किरदारों की बदौलत फिल्म की कहानी को उन्होंने बढ़िया सा एक अच्छा काम करके दिया हुआ है इसके अलावा हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी की हुए आर राथन वेलू ने जहाँ पे इस फिल्म का जो कलर टोन है कलर करेक्शन है इसके अलावा कैमरा वर्क है वो काफ़ी शानदार टॉप नोट देखने को मिलेगा एडिटिंग की हुए तमिल राजू ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक मिनट के आसपास ये फिल्म है दो घंटे और समझ लो पचास मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा लंबा है लेकिन सुपरस्टार की फिल्म है तो इस वजह से सभी चीज़ें आसानी से इग्नोर हो जाती है इस फिल्म को सिर्फ तेलुगू लैंग्वेज में बनाया गया था जहाँ पे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था इस फिल्म को और काफी बेहतरीन रिस्पांस भी मिला हुआ था इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूं कि महेश बाबू ने प्रॉपर अनाउंस किया होता था कि एज ए लीड हीरो वो एक फिल्म में काम करने वाले जहाँ पे अनिल रवि उसको डायरेक्ट करने वाले और उस फिल्म का नाम है सरी लेरू निकेहरू फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी सेट की गई थी 31 मई 2019 को जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिली थी तो बताया गया था कि रश्मि रश्मिका मंदना को महेश बाबू के अपोजिट कास्ट किया गया विजय शांति इस फिल्म के साथ कम करने वाली फिल्मों में जो तेरह साल के बाद फिर से आ रही है तमन्ना का एक आपको पार्टी सॉन्ग सुनने को मिलेगा वहीं पे संगीता और बंडला गणेश भी काफ़ी सालों के बाद इस फिल्म से कम करने वाले तो ये थोड़ी बहुत कास्टिंग के ऊपर डिटेलिंग मिली हुई थी उसके बाद में बताया गया था फिल्मिंग के ऊपर कि फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में सेट किया गया था जुलाई पाँच से जुलाई बीस दो में इसके अलावा सेकंड शेड्यूल है वो सेट किया गया था कोंडा रेड्डी बुरुजू जो और रामोजी फिल्म सिटी है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था वो सेट और उसको बनाने में करीबन चालीस मिलियन डॉलर लगे हुए थे सॉरी चालीस मिलियन रुपीस लगे हुए थे इंडियन करेंसी और 8 नवंबर 2019 तक फिल्म का एक केरला का शेड्यूल था वो भी शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था इस तरह से फिल्म के अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में फिल्म को दिसंबर 2019 तक पूरी तरह से पेचवर्क सॉन्ग के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म का म्यूज़िक प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम कम्प्लीट करवाया गया डबिंग का, का काम कम्प्लीट करवाया गया और उसके बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के गानों को कम्पोज किया हुआ देवी श्री प्रसाद ने और सॉन्ग्स भी उन्होंने ही कम्पो उसके और साथ ही में बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा 2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 5 जनवरी 2020 तक सभी गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था यूट्यूब पे और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इन गानों के राइट्स खरीदे हुए लहरी म्यूजिक और टी सीरीज़ ने जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे सभी गानों की टोटल लेंथ है इक्कीस मिनट छः सेकंड गानों को तेलुगु तमिल और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी बनाया गया है जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज का मेन ट्रैक लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला गाना था माइंड ब्लॉग जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्रीमणि ने और देवश्री प्रसाद ने सिंगर थे ब्लाज और रेनिना रेड्डी दूसरा गाना था सूर्य वो चंद्रद्रिव्य उसके लिरिक्स रामजोग शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे बी प्राक तीसरा गाना था ही इज सो क्यूट उसके लिरिक्स लिखे हुए थे श्री मनी ने सिंगर थे मधु प्रिया चौथा गाना था सली एंथम जिसके लिरिक्स देवी श्री प्रसाद ने लिखे हुए थे सिंगर थे शंकर महादेवन पांचवा गाना था डांग डांग जिसमें तमन्ना पीरियंस करती है वो वाला पार्टी सॉन्ग है उसके लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे नका सजीश और लविता लोबो और इन सभी गानों को तेलुगू और कन्नाडा वर्जन में भी डब किया गया था जहाँ पे तमिल सॉरी तमिल और कन्नडा वर्जन में भी गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में फिल्म का नाम था इवन नो को सरियाना आल इलाई वहीं पे कन्नडा वर्जन में मेजर अजय कृष्णा के नाम से फिल्म को डब करवाया गया था इस फिल्म के डब्ड वर्जन को तमिल वर्जन को 2020 में अवेलेबल किया गया था रिलीज़ किया गया था करीबन 200 थिएटर में तमिलनाडु में तमिल वर्ज़न को रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था इवन नुक्कू सरियाना आली लाई और मेजर अजय कृष्णा के नाम से कनाडा वर्जन को टेलीविज़न पर डायरेक्ट प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पर कनाडा डब वर्जन के राइट्स उड़िया टीवी ने खरीदे हुए थे कन्नडा के वर्जन के लिए अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वो राइट्स क्योंकि तेलुगु फिल्म में कन्नाडा वर्जन में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती है कर्नाटक में तेलुगु फिल्मों को काफ़ी सराहाया जाता है वहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री की फिल्में जितनी भी सराहना होती है उसमें सबसे ज़्यादा कन्नाडा फिल्मों के सॉरी तेलुगु फिल्मों को कर्नाटक में सराहना ज़्यादा मिलती है अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो महेश बाबू जो लीड रोल है मेजर अजय कृष्णा का वो प्ले कर करे पेरा एसेफे इसके अलावा रश्मि का मंदना अजय का

किया हुआ जो एक पेरा थे अजय नाम का रोल है वो उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भारती के बेटे ब्रह्मा जी ने लोयर मृदुंगा राव का रोल प्ले किया हुआ है तनिकला भरानी को मिनिस्टर का रोल दिया गया था संगीता ने सोम जय का जयप्रकाश रेड्डी ने नागेंद्र के पिता का रोल प्ले किया हुआ है अजय ने नागेंद्र के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे रघु बाबू को टीचर का रोल दिया गया था टीचर तिरुपति राव वाला जो नागेंद्र के साइड थे वहीं पे सुब्बा राजू को क्राइम ब्रांच कोटी का रोल दिया गया है वेनेला किशोर का रोल प्ले किया हुआ था जो क्राइम ब्रांच को टिक के असिस्टेंट थे राजीव कनकला को रामकृष्ण का रोल दिया गया था जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे बंडला गणेश को ब्लेड, ब्लेड गणेश का रोल प्ले करने को दिया गया था सूर्या ने सूर्या राव का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने ट्रेन पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हरि तेजा को स्वेचा का रोल दिया गया था अभिनया रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन के रोल को नाम नहीं दिया गया था इसके अलावा तमन्ना का केम्यूअपीरियंस था डांग डांग सॉन्ग में अनिल रविपुड़ी का क्रेडिट में केमियो केम्यूअपीरियर था देवी श्री प्रसाद और शेखर का माइंड ब्लॉक गाने में केमियो केम्योअपीरियंस था तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर अजय यानी कि वो रोल प्ले कर रहे हैं महेश बाबू जो एक पेरा एस है जो एक मिलिट्री ऑफिसर है जो इंडियन आर्मी के लिए सिंसियरली काम करते हुए आ रहे जो एक डेरिंग मिलिट्री ऑफिसर है दूसरी तरफ भारती जिसका रोल प्ले कर रहे विजय शांति जो एक सिंसियर प्रोफेसर है जो कर्नूल सिटी में एक प्रोफेसर का काम करती हुई आ रहे काफ़ी लंबे समय से वो एक प्रॉब्लम है फंसती है और वो प्रॉब्लम है प्रकाश राज वो एक लोकल मिनिस्टर है और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते प्रकाशराज भारतीय और उसकी फैमिली को मारना चाहता है अब उसके लिए वो सभी चीजों करने के लिए वो एक प्लान क्रिएट करता है जब ये सभी चीजें जा रही होती है जब भारतीय उसकी फैमिली को उसके बच्चों को प्रकाश राज के गुंडे मारने आ रहे थे ठीक उसी समय अजय किसी तरह से कर्नोला जाता है और उनको बचा लेता है अब ये भारती कौन है अजय का उससे कनेक्शन क्या है अजय क्यों कर्न लाया हुआ था ये सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है तो यही सब सवालों में फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है अनडाउटेडली सरिलेरू निकेरू महेश बाबू का वन वे शो है जिस तरह से वो स्टार हीरो के तौर पे हमारे सामने एक मैग्नमस तरीके से अपने रोल को डिलीवर करते उसमें जो डिफरेंट वेरिएशन लाते वो सभी चीज़ें हमें पसंद आती है महेश बाबू का मास क्लास एक्शन अवतार वो सभी चीज़ों को सुपर मैनर में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है उसको जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसने बेहतरीन वे में महेश बाबू ने डिलीवर किया हुआ है जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें फैंस के साथ साथ न्यूट्रल ऑडियंस को भी पसंद आएगी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में महेश बाबू वैसे डांस तो नहीं करते उतना कुछ लेकिन माइंड ब्लॉक गाने में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो आपको ज़रूर इम्प्रेसिव लगेगा जो सभी चीज़ें ऑडियंस के लिए एक ट्रीट मानी जाएगी इसके अलावा फिल्म की फिल्म में जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रश्मिका मंदना के साथ वो भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे रश्मिका मंदना के साथ जितने भी ट्रेन एपिसोड क्रिएट किए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे और उसके ऊपर रश्मिका मंदना ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है वो अपने रोल में काफ़ी फनी नज़र आ रही थी उनके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट करने में कामयाब रही है रश्मिका मंदना ने जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ काम किया हुआ है अपनी डायलॉग डिलीवरी में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में अपने किरदार के साथ जो वन लाइनर्स थे जो कॉमेडी पंचीज थे उसको अच्छी तरह से उन्होंने डिलीवर किया हुआ था जिस वजह से रश्मिका मंदना का जो जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा इसके अलावा फिल्म में संगीता देखने को मिलती है जिनको डिसेंट रोल दिया गया है काफी लंबे समय के बाद वो तेलुगु फिल्मों में नजर आ रही थी जिसमें उनका काम अच्छा था राजेंद्र प्रसाद का एक नीट सपोर्टिंग रोल था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे राव रमेश मुरली शर्मा अजय सभी लोग की रोल प्ले कर रहे थे जिसमें वो सभी लोग इम्प्रेसिव नज़र आ रहे थे अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे थे एक नेचुरल परफॉर्मेंस दे रहे थे शो so कॉल्ड जो ट्रेन एपिसोड देखने को मिलते वो पूरी तरह से हाइप क्रिएट की गई थी उसको फुलफिल करने में कामयाब रहते वहाँ पर काफ़ी बढ़िया एंटरटेनमेंट क्रिएट होता है बंडला गणेश ने जिस तरह से कुछ कॉमेडी मोमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा विजया शांति ने शो It, किया हुआ है उनका रोल फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट तरीके से पेश किया हुआ है उसकी लिखावट काफी बढ़िया थी उस रोल की फिल्म में काफी अहमियत थी जिसको उन्होंने अच्छी तरह से निभाया हुआ है फिल्म में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में सीरियसनेस और बढ़िया तरीके से एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में कामयाब रहता है उनके डायलॉग डिलीवरी में वो पावरफुल बात नजर आ रही थी जिस तरह से उन्होंने महेश भाव के साथ जो केमिस्ट्री शेयर की हुई है वो फिल्म को और चार चांद लगा देती है प्रकाश राज एज एक्सपेक्टेड जिस तरह से विलन का रोल प्ले कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उसमें नज़र आ रहे थे और अपने सेटायर कॉमेडी के साथ ये जो फन क्रिएट करने में वो कामयाब रहे थे वो आपस जरूर पसंद आएगा फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया गया है जहाँ पे पेट्रोटिज्म वाली भी फीलिंग देखने को मिलती है फिल्म के स्टार्टिंग में कुछ फाइट सिक्वेंस देखने को मिलते हैं इसके बाद में ट्रेन एपिसोड आता है वहाँ पे कुछ कॉमेडी और फैमिली मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल वो एक अच्छा मिक्सअप क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा इंटरवल बैंग आपको देखने को मिलता है फिल्म का जो बेसिक एसेट है वो फिल्म में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है जिस तरह से रेगुलर इंटरवल पे लोगों को एंगेज करते हैं कॉमेडी के साथ वो है वो फिल्म को आसानी से एंटरटेनिंग बनाता है इसके अलावा फिल्म में डीएसपी का जो म्यूजिक है वो फिल्म का अनदर एक के एसेट पॉइंट है जहाँ पे फिल्म का जो गाना है फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था जिस तरह से गानों को सेट किया होता था वो बढ़िया था सीन के साथ जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर बन बढ़ता है वो अच्छी तरह से एक अच्छा मास

पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रूटीन और जिस तरह हीरो विलन के सीन दिखाए हुए थे वो सभी चीज़ें पहले हमने कई फिल्मों में देखी हो उसी टाइप की नज़र आ रही थी उसमें कुछ नयापन नज़र नहीं आ रहा था उसको दिखाने का तरीका उतना बेहतर नहीं था उसका एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था फिल्म का क्लाइमेक्स थोड़ा डल नज़र आएगा और स्लाइटली ओवर दी टॉप भी नज़र आएगा वहाँ पर मिक्स क्री रिएक्शन देखने को मिलेंगे एंडिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कुछ सीली नज़र आ रही थी तो कुछ ऑडियंस को वो पसंद भी आएगी इसके अलावा फिल्म को करीबन पंद्रह मिनट जितना सेकंड हाफ में बेहतर वे में दिखाया हुआ है जहां पे फिल्म का टेम्पो अच्छी तरह से ड्रॉप करते वो रूटीन फाइट सीक्वेंस और सीन्स के थ्रू जिसकी वजह से डायरेक्टर रवि पुर रविपुरी अपने आइडिया जो लाए थे हीरोइज्म वाला जो कंफ्रंटेशन सीन वाले प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में वो पूरी तरह से उतना अच्छा खासा वर्क नहीं करता है इस फिल्म में जो म्यूजिक है उसका काम काफ़ी शानदार है काफ़ी सॉलिड जो फिल्म को एक बड़ा एडवांटेज देता है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी टॉप नोट थी जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी फिल्म का कलर टोन बढ़िया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी जहाँ पे कैमरा और कितना बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है जो अलग अलग लोकेशन थे जो सीन थे जिस तरह से करनूल का बैकड्रॉप दिखाया हुआ था कोंडा रेड्डी बुर्जू का लुक्स दिखाया हुआ था जो सभी चीज़ें को काफ़ी अच्छी तरह से मेकअप मेकर्स ने क्रिएट करके हमारे सामने पेश किया हुआ है जहाँ पे कैमरा मैन ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है इसके अलावा जो दो सॉन्ग को कंपोज किया हुआ था उसके ऊपर जो कोरियोग्राफी देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है जहाँ पे स्पेशली माइंड ब्लॉक वाले गाने में काफ़ी बढ़िया कोरियोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं जहाँ पर कुछ पंडाइन सबको जरूर हंसाने कामयाब रहेंगे कुछ मास पंचीज देखने को मिलते हैं जो ज़रूर अच्छा खासा इंपेक्ट क्रिएट करते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में बढ़िया था वहीं पर सेकेंड हाफ़ में उतना कुछ खास नहीं था फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से फन क्रिएट किया हुआ था जिस तरह से इंटरवल तक फिल्म की कहानी को सेट किया जाता है वो बढ़िया नजर आ रहा था लेकिन सेकंड हाफ़ में काफ़ी सारी चीज़ों को रेजी मैनर में दिखाया हुआ था जिसको थोड़ा और टाइट किया जा सकता था इस फिल्म एडिटिंग के थ्रू के काम किया जा सकता था महेश बाबू को अच्छी तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था अनिल रवि ने फिल्म के साथ अच्छा खासा काम किया हुआ है वहीं पे उन्होंने महेश बाबू के किरदार को जिस तरह से मजबूती के साथ शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हीरोइज्म वाला किरदार दिखाया हुआ है साथ ही में इमोशनल कंटेंट भी डाला हुआ है इस फिल्म में कॉमेडी भी उन्होंने डाली हुई है जो इंग रेगुलर इंटरवल पर हमें हसाती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के बेसिक एसेट है लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने हर बार जल्दबाजी में क्लाइमैक्स को हमारे सामने कन्विंस इतना कुछ कन्विंस मैनर में नहीं दिखाया हुआ जिस वजह से वो सभी चीज़ें थोड़ी कम पसंद आ सकती है तो ओवरऑल सरील नेहरू एक ऐसा मिक्स वाली फिल्म है जहां पे काफी सारी चीजों का कॉम्बो देखने को मिलता है ये मल्टी जोनर फिल्म है जहां पे ड्रामा पेट्रोटिज्म सभी टाइप की फीलिंग नजर आएगी और ये एक परफेक्ट इंटरटेनर है जिसमें बढ़िया तरीके से रेगुलर इंटरवल पे कॉमेडी आपको हंसाने में कामयाब रहती है कुछ अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं मास सीक्वेंस देखने को मिलते हैं और ओवरऑल ये फिल्म महेश के के लिए देखी जा सकती है उनके मास फाइट उनके गानों में जो डांस है जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए जो एक्शन है वो सभी चीज़ें फिल्म को और बढ़िया बनाती है सिर्फ क्लाइमेक्स थोड़ा फिल्म का वीक है सेकंड अब थोड़ा स्लाइटली खींचा हुआ है अदरवाइज़ ये फिल्म फैंस और मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है जिस तरह से महेश बाबू को प्रेजेंट किया हुआ है वो बढ़िया है तो ओवरऑल इस फिल्म को ज़रूर देखा जा सकता है जहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा खासी तरीके से क्रिएट किया हुआ है फैंस के लिए तो इसे मिस नहीं करना चाहिए रिलीज़ के ऊपर बात करें तो ग्यार ग्यारह जनवरी दो को इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आई पे करीबन आठ के आसपास वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल थी दस में से पिछहत्तर करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस धमाका मचाबन में जहां पर अला वहींपुर और ये फिल्म दोनों फिल्म एक साथ में आई थी लेकिन दोनों फिल्म अच्छी खासी तरीके से वर्क कर गई और दोनों फिल्मों ने ढाई करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया इस फिल्म ने भी पिछहत्तर करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने करीबन साठ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था वर्ल्ड वाइड तो तेलुगु फिल्मों के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज में आने वाली फिल्म के हिसाब से इस फिल्म काफी बढ़िया काफी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे जिसके चलते इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था फिल्म को कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे जहाँ पे कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेज भी किया गया था अब हम बात कर लेते इस फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में कहाँ पे देख सकते हो तो इस फिल्म को तेलुगु वर्ज़न में आप देख सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जिन्होंने बड़ी प्राइस में इस फिल्म के राइट्स ख़रीदे हुए उन्होंने एक मार्च 2020 के बाद इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे सैटेलाइट राइट्स ख़रीदे हुए सन नेटवर्क ने जिन्होंने फिल्म को जेमिनी टी वी प्रीमियर करवाया हुआ था सबसे पहली बार और अब आपको जेमिनी टीवी के ऊपर ये फिल्म देखने को मिल जाएगी सरी ले के निकेवरू के साथ तेलगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहीं पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलगू वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी फिल्म का तमिल डब्ड वर्जन यानी कि इवन या ना आल इलाई जिसके राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार ने जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तमिल डब्ड वर्जन के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पे आप डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इवन नुकू सरियाना अल नाम के साथ सर लेरूनी के और फिल्म तमिल डब्ड वर्जन में देख सकते हो वहीं पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो मेजर अजय कृष्णा के नाम से इस फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे उड़िया टीवी के ऊपर फिल्म को फिल्म के डब्ड वर्जन को प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे अब बात करें हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर तो हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स रिलीज से पहले ही गोलमाइंस वालों ने काफी बड़ी रकम में खरीदे हुए थे इस बाद में इस फिल्म की डबिंग उन्होंने सरी लेरु नाम के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाई जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से सरी लेरू निकरू को हटा के जहाँ पे सरी लेरु सिर्फ नाम रख के फिल्म को डब कंप्लीट करवाया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला फिल्म के गानों को डब नहीं करवाया हुआ है तो गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म के सेटेलाइट और ओ राइट्स दोनों खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर सरी सरी लेरू नाम के साथ हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे यूट्यूब पे गोलमस के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में विथ इंग्लिश सब इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको सरी लेहरू निकेवरू फिल्म का जो हिंदी डब्डो वर्जन है उसके राइट्स कॉल माइंस के पास है टेलीविज़न और यूट्यूब के दोनों के तो जहाँ पे टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म सरी लेरू के नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर यूट्यूब पर यह फिल्म आपको गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे इसके अलावा हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी की हुए आर राथन वेलू ने जहाँ पे इस फिल्म का जो कलर टोन है कलर करेक्शन है इसके अलावा कैमरा वर्क है वो काफ़ी शानदार टॉप नोट देखने को मिलेगा एडिटिंग की हुए तमिल राजू ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक मिनट के आसपास ये फिल्म है दो घंटे और समझ लो पचास मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा लंबा है लेकिन सुपरस्टार की फिल्म है तो इस वजह से सभी चीज़ें आसानी से इग्नोर हो जाती है इस फिल्म को सिर्फ तेलगू लैंग्वेज में बनाया गया था जहाँ पे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को और काफी बेहतरीन रिस्पांस भी मिला हुआ था इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूं कि महेश बाबू ने प्रॉपर अनाउंस किया होता कि एज ए लीड हीरो वो एक फिल्म में काम करने वाले जहाँ पे अनिल रवि उसको डायरेक्ट करने वाले और उस फिल्म का नाम है सरी लेरू निकेरू फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी सेट की गई थी इक्तीस मई दो को जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिली थी तो बताया गया था कि रश्मिका मंदना को महेश बाबू के अपोजिट कास्ट किया गया विजय शांति इस फिल्म के साथ कम करने वाली है फिल्मों में जो तेरह साल के बाद फिर से आ रही है तमन्ना का एक आपको पार्टी सॉन्ग सुनने को मिलेगा वहीं पे संगीता और बंडला गणेश भी काफ़ी सालों के बाद इस फिल्म से कम करने वाले तो ये थोड़ी बहुत कास्टिंग के ऊपर डिटेलिंग मिली हुई थी उसके बाद में बताया गया था फिल्मिंग के ऊपर कि फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में सेट किया गया था जुलाई पाँच से जुलाई बीस दो में इसके अलावा सेकंड शेड्यूल है वो सेट किया गया था कोंडा रेड्डी बुरुजू जो और रामोजी फिल्म सिटी है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था वो सेट और उसके बनाने में करीबन 40 मिलियन डॉलर लगे हुए थे सॉरी चालीस मिलियन रुपीस लगे हुए थे इंडियन करेंसी और 8 नवंबर 2019 तक फिल्म का एक केरला का शेड्यूल था वो भी शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था इस तरह से फिल्म के अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में फिल्म को दिसंबर 2019 तक पूरी तरह से पेचवर्क सॉन्ग के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म का म्यूजिक म्यूज़िकी प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम कम्प्लीट करवाया गया डबिंग का काम कंप्लीट करवाया गया और उसके बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के गानों को कम्पोज किया हुआ देवी प्रसाद ने और सॉन्ग्स भी उन्होंने ही किए और साथ ही में बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा 2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 5 जनवरी 2020 तक सभी गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था यूट्यूब पे और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इन गानों के राइट्स खरीदे हुए लहरी म्यूजिक और टी सीरीज़ ने जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे सभी गानों की टोटल लेंथ है इक्कीस मिनट छः सेकंड गानों को तेलुगु तमिल और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी बनाया गया है जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज का मेन ट्रैक लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला गाना था माइंड ब्लॉग जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्रीमनी ने और देवश्री प्रसाद ने सिंगर थे ब्लास और रेनिना रेड्डी दूसरा गाना था सूर्दी वो चंद्रद्रिव्य उसके लिरिक्स रामजोग शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे बी प्राक तीसरा गाना था ही इज सो क्यूट उसके लिरिक्स लिखे हुए थे श्री मनी ने सिंगर थे मधु प्रिया चौथा गाना था और निकोरोम जिसके लिरिक्स देवी श्री प्रसाद ने लिखे हुए थे सिंगर थे शंकर महादेवन पांचवा गाना था डांग डांग जिसमें तमन्ना अपीरियंस करती है वो वाला पार्टी सॉन्ग है उसके लिरिक्स रामजोग शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे नका अजीज और लविता लोबो और इन सभी गानों को तेलुगू और कन्नाडा वर्ज़न में भी डब किया गया था जहाँ पे तमिल सॉरी तमिल और कन्नडा वर्जन में भी गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में फिल्म का नाम था इवन नो को सरियाना आल इलाई वहीं पे कन्नडा वर्जन में मेजर अजय कृष्णा के नाम से फिल्म को डब करवाया गया था इस फिल्म के डब्ड वर्ज़न को तमिल वर्जन, वर्जन को 2020 में अवेलेबल किया गया था रिलीज़ किया गया था करीबन 200 थिएटर में तमिलनाडु में तमिल वर्ज़न को रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था इवन नुक्कू सरियाना आली लाई और मेजर अजय कृष्णा के नाम से कनाडा वर्जन को टेलीविजन पर डायरेक्ट प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पर कनाडा डब वर्जन के राइट्स उड़िया टीवी ने खरीदे हुए थे कन्नाडा के वर्जन के लिए अच्छी खासी प्राइस में ख़रीदे हुए थे वो राइट्स क्योंकि तेलुगु फिल्म में कन्नाडा वर्जन में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती है कर्नाटक में तेलुगु फिल्मों को काफ़ी सराहाया जाता है वहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री की फिल्में जितनी भी सराहना होती है उसमें सबसे ज़्यादा कन्नाडा फिल्मों के सॉरी तेलुगु फिल्मों को, को कर्नाटक में सराहना ज़्यादा मिलती है अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो महेश बाबू जो लीड रोल है मेजर अजय कृष्णा का वो प्ले कर रहे पेरा एस एफ इसके अलावा रश्मिका मंदना अजय का लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करे जिनका नाम है समरुक्ति विजय शांति को भारती का रोल दिया गया था जो मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर थी प्रकाश राज ने एम एल युद्धम नागेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक करप्ट मिनिस्टर है राजेंद्र प्रसाद आपको शिवा प्रसाद के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने अजय के कलिक का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश ने राघव का रोल प्ले किया हुआ है जो समरुक्ति के फादर है मुरली शर्मा आपको अजय के ब्रिगेडियर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर पोषा कृष्णा मुरली को सीआई नारायण का रोल दिया गया था सत्यदेव कांचराना ने एक इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है जो एक पेरा एस थे अजय नाम का रोल है वो उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भारती के बेटे है ब्रह्मा जी ने लॉयर मृदुंगा राव का रोल प्ले किया हुआ है तनिकला भरानी को मिनिस्टर का रोल दिया गया था संगीता ने सोमजय का रोल प्ले किया हुआ है जयप्रकाश रेड्डी ने नागेंद्र के पिता का रोल प्ले किया हुआ है अजय ने नागेंद्र के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे रघु बाबू को टीचर का रोल दिया गया था टीचर तिरुपति राव वाला जो नागेंद्र के साइड की थे वहीं पे सुब्बा राजू को क्राइम ब्रांच कोटी का रोल दिया गया वेनेला किशोर ने किशोर का रोल प्ले किया हुआ था जो क्राइम ब्रांच कोटी के असिस्टेंट थे राजीव कनकला को रामकृष्ण का रोल दिया गया था जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे बंडला गणेश को ब्लेड, ब्लेड गणेश का रोल प्ले करने को दिया गया था सूर्या ने सूर्या राव का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने ट्रेन पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हरि तेजा को स्वेच्छा का रोल दिया गया था अभिनया रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन के रोल को नाम नहीं दिया गया था इसके अलावा तमन्ना का केम्यूअपीरियंस था डांग डांग सॉन्ग में अनिल रविपुड़ी का क्रेडिट में केमियो अपीरियंस था देवी श्री प्रसाद और शेखर का माइंड ब्लॉक गाने में केम्यूअपीरियंस था तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर अजय यानी कि वो रोल प्ले कर रहे हैं महेश बाबू जो एक पेरा एस एफ है जो एक मिलिट्री ऑफिसर है जो इंडियन आर्मी के लिए सिंसियरली काम करते हुए आ रहे जो एक डेरिंग मिलिट्री ऑफिसर है दूसरी तरफ भारती जिसका रोल प्ले कर रहे विजय शांति जो एक सिंसियर प्रोफेसर है जो कर्नल सिटी में एक प्रोफेसर का काम करते हुए आ रहे काफ़ी लंबे समय से वो एक प्रॉब्लम में फंसती है और वो प्रॉब्लम है प्रकाश राज वो एक लोकल मिनिस्टर है और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते प्रकाश राज भारतीय और उसकी फैमिली को मारना चाहता है अब उसके लिए वो सभी चीज़ों करने के लिए वो एक प्लान क्रिएट करता है जब ये सभी चीज़ें जा रही होती है जब भारतीय उसकी फैमिली को उसके बच्चों को प्रकाश राज के गुंडे मारने आ रहे थे ठीक उसी समय अजय किसी तरह से कर्न ला जाता है और उनको बचा लेता है अब ये भारती कौन है अजय का उससे कनेक्शन क्या है अजय क्यों कर्नू लाया हुआ था ये सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है तो यही सब सवालों में फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग manera में दिखाया हुआ है अनडाउटेडली सरीलेरू निके और महेश बाबू का वन वे शो है जिस तरह से वो स्टार हीरो के तौर पे हमारे सामने एक मैग्नमस तरीके से अपने रोल को डिलीवर करते उसमें जो डिफरेंट वेरिएशन लाते वो सभी चीजें हमें पसंद आती है महेश बाबू का मास क्लास एक्शन अवतार वो सभी चीज़ों को सुपर मैनर में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है उसको जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसने बेहतरीन वे में महेश बाबू ने डिलीवर किया हुआ है जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें फैंस के साथ साथ न्यूट्रल ऑडियंस को भी पसंद आएगी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में महेश बाबू वैसे डांस तो नहीं करते उतना कुछ लेकिन माइंड ब्लॉक गाने में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो आपको ज़रूर इम्प्रेसिव लगेगा जो सभी चीज़ें ऑडियंस के लिए एक ट्रीट मानी जाएगी इसके, इसके अलावा फिल्म की फिल्म में जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रश्मिका मंदना के साथ वो भी काफी बढ़िया नजर आ रही थी जहाँ पे रश्मिका मंदना के साथ जितने भी ट्रेन एपिसोड क्रिएट किए वो काफी बढ़िया थे और उसके ऊपर रश्मिका मंदना ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ है वो अपने रोल में काफ़ी फनी नजर आ रही थी उनके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो काफी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट करने में कामयाब रही है रश्मिका मंदना ने जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ काम किया हुआ है अपनी डायलॉग डिलीवरी में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ बढ़िया नज़र आ रही थी साथ ही में अपने किरदार के साथ जो वन लाइनर्स थे जो कॉमेडी पंचीज थे उसको अच्छी तरह से उन्होंने डिलीवर किया हुआ था जिस वजह से रश्मिका मंदना का जो जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा इसके अलावा फिल्म में संगीता देखने को मिलती है जिनको डिसेंट रोल दिया गया है काफी लंबे समय के बाद वो तेलुगु फिल्मों में नजर आ रही थी जिसमें उनका काम अच्छा था राजेंद्र प्रसाद का एक नीट सपोर्टिंग रोल था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे राव रमेश मुरली शर्मा अजय सभी लोग की रोल प्ले कर रहे थे जिसमें वो सभी लोग इम्प्रेसिव नज़र आ रहे थे अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे थे एक नेचुरल परफॉर्मेंस दे रहे थे शो कॉल्ड जो ट्रेन एपिसोड देखने को मिलते वो पूरी तरह से हाइप क्रिएट की गई थी उसको फुलफ़िल करने में कामयाब रहते वहाँ पर काफ़ी बढ़िया एंटरटेनमेंट क्रिएट होता है बंडला गणेश ने जिस तरह से कुछ कॉमेडी मोमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था वो आपको जरूर पसंद आएगा विजय शांति ने शो किया हुआ है उनका रोल फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट तरीके से पेश किया हुआ है उसकी लिखावट काफी बढ़िया थी उस रोल की फिल्म में काफी अहमियत थी जिसको उन्होंने अच्छी तरह से निभाया हुआ है फिल्म में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में सीरियसनेस और बढ़िया तरीके से एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में कामयाब रहता है उनके डायलॉग डिलीवरी में वो पावरफुल बात नज़र आ रही थी जिस तरह से उन्होंने महेश भाव के साथ जो केमिस्ट्री शेयर की हुई है वो फिल्म को और चार चांद लगा देती है प्रकाश राज एज एक्सपेक्टेड जिस तरह से विलन का रोल प्ले कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उसमें नजर आ रहे थे और अपने सेटायर कॉमेडी के साथ ये जो फन क्रिएट करने में वो कामयाब रहे थे वो आपस जरूर पसंद आएगा फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया गया है जहाँ पे पेट्रोटिज्म वाले भी फीलिंग देखने को मिलती है फिल्म के स्टार्टिंग में कुछ फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं इसके बाद में ट्रेन एपिसोड आता है वहाँ पे कुछ कॉमेडी और फैमिली मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल वो एक अच्छा मिक्सअप क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा इंटरवल बैंग आपको देखने को मिलता है फिल्म का जो बेसिक एसेट है वो फिल्म में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है जिस तरह से रेगुलर इंटरवल पे लोगों को एंगेज करते है कॉमेडी के साथ वो है वो फिल्म को आसानी से एंटरटेनिंग बनाता है इसके अलावा फिल्म में डीएसपी का जो म्यूजिक है वो फिल्म का अनदर एक के एसेट पॉइंट है जहाँ पे फिल्म का जो गाना है फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था जिस तरह से गानों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था सीन के साथ जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर बन बढ़ता है वो अच्छी तरह से एक अच्छा मा सिलुशन सीन क्रिएट करता है इमोशनल कॉमेडी डिपार्टमेंट में भी जो म्यूजिक डाला हुआ है वो बढ़िया था फिल्म की आ रही थी सभी चीजें आसानी से प्रिडिक्ट हो जाती है फिल्म की जिस तरह से डायरेक्शन किया हुआ था जिस हुआ था पूरी तरह से रूटीन नजर आ रहा था फिल्म का सेकंड हाफ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा रूटीन और जिस तरह हीरो विलन के सीन दिखाए हुए थे वो सभी चीजें पहले हमने कई फिल्म हम देखी हो उसी टाइप की नज़र आ रही थी उसमें कुछ नयापन नजर नहीं आ रहा था उसको दिखाने का तरीका उतना बेहतर नहीं था उसका एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था फिल्म का क्लाइमेक्स थोड़ा डल नज़र आएगा और स्लाइटली ओवर दी टॉप भी नज़र आएगा वहाँ पे मिक्स क्री रिएक्शन देखने को मिलेंगे एंडिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कुछ सीली नज़र आ रही थी तो कुछ ऑडियंस को वो पसंद भी आएगी इसके अलावा फिल्म को करीबन पंद्रह मिनट जितना सेकेंड हाफ में बेहतर वे में दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म का टेम्पो अच्छी तरह से ड्रॉप करते वो रूटीन फाइट सीक्वेंस और सीन्स के थ्रू जिसकी वजह से डायरेक्टर रविन रवि पुड़ी अपने आइडिया जो लाए थे हीरोइज़्म वाला जो कन्फ्रटेशन सीन वाले प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में वो पूरी तरह से उतना अच्छा खासा वर्क नहीं करता है इस फिल्म में जो म्यूजिक है उसका काम काफ़ी शानदार है काफ़ी सॉलिड जो फिल्म को एक बड़ा एडवांटेज देता है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नोट थी जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी फिल्म का कलर टोन बढ़िया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी जहाँ पे कैमरा और कितना बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है जो अलग अलग लोकेशन थे जो सीन थे जिस तरह से कर्नल का बैकड्रॉप दिखाया हुआ था कोंडा रेड्डी बुर्जू का लुक्स दिखाया हुआ था जो सभी चीज़ें को काफी अच्छी तरह से मेकअप मेकर ने क्रिएट करके हमारे सामने पेश किया हुआ है जहाँ पे कैमरा ने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है इसके अलावा जो दो सॉन्ग को कम्पोज किया हुआ था उसके के ऊपर जो कोरियोग्राफी देखने को मिलती है वो काफी बढ़िया है जहां पे स्पेशली माइंड ब्लॉक वाले गाने में काफी बढ़िया कोरियोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं जहाँ पे कुछ वन फंड आपको जरूर हंसाने कामयाब रहेंगे कुछ मास पंचीज़ देखने को मिलते हैं जो जरूर अच्छा खासा इंपेक्ट क्रिएट करते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में बढ़िया था वहीं पर सेकेंड हाफ में उतना कुछ खास नहीं था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से फन क्रिएट किया हुआ था जिस तरह से इंटरवल तक फिल्म की कहानी को सेट किया जाता है वो बढ़िया नजर आ रहा था लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को रेजी मैनर में दिखाया हुआ था को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था इस फिल्म एडिटिंग के थ्रू के काम किया जा सकता था महेश बाबू को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था अनिल रवि ने फिल्म के साथ अच्छा खासा काम किया हुआ है वहीं पे उन्होंने महेश बाबू के किरदार को जिस तरह से मजबूती के साथ शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हीरोइज्म वाला किरदार दिखाया हुआ है ही में इमोशनल कंटेंट भी डाला हुआ है इस फिल्म में कॉमेडी भी उन्होंने डाली हुई है जो इंग्रेगुलर इंटरवल पर हमें हंसाती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के बेसिक सेट है लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने हर बार जल्दबाजी में क्लाइमैक्स को हमारे सामने कन्विंस इतना कुछ कन्विंस में नहीं दिखाया हुआ जिस वजह से वो सभी चीजें थोड़ी कम पसंद आ सकती है तो ओवरऑल निके और, और सरील एक ऐसा मिक्स रिस्पांस वाली फिल्म है जहां पे काफी सारी चीजों का देखने को मिलता है ये मल्टी और फिल्म है जहां पे एक्शन रोमेंस ड्रामा पेट्रोटिज्म सभी टाइप की फीलिंग नजर आएगी और ये एक परफेक्ट इंटरटेनर है जिसमें बढ़िया तरीके से रेगुलर इंटरवल पे कॉमेडी आपको हंसाने में कामयाब रहती है कुछ अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं मास सिक्वेंस देखने को मिलते हैं और ओवरऑल और और ये फिल्म महेश बाबू के लिए देखी जा सकती है उनके मास फाइट उनके गानों में जो डांस है जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए जो एक्शन सिकवेंस वो सभी चीज़ें फिल्म को और बढ़िया बनाती है सिर्फ क्लाइमेक्स थोड़ा फिल्म का वीक है सेकंड अब थोड़ा स्लाइटली खींचा हुआ है अदरवाइज़ ये फिल्म फैंस और मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है जिस तरह से महेश बाबू को प्रेजेंट किया हुआ है वो बढ़िया है तो ओवरऑल इस फिल्म को ज़रूर देखा जा सकता है जहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा खासी तरीके से क्रिएट किया हुआ है फैंस के लिए तो इसे मिस इस नहीं करना चाहिए रिलीज़ के ऊपर बात करें तो ग्यार ग्यारह जनवरी दो को इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आई पे करीबन आठ के आसपास वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई

साठ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था वर्ल्ड वाइड तो तेलुगु फिल्मों के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज में आने वाली फिल्म के हिसाब से इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था फिल्म ने कहीं रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था फिल्म को कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे जहाँ पे कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेस भी किया गया था अब हम बात कर लेते इस फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा हिंदी सभी वर्ज़न में कहाँ पे देख सकते हो तो इस फिल्म को तेलुगु वर्ज़न में आप देख सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जिन्होंने बड़ी प्राइस में इस फिल्म के राइट्स ख़रीदे हुए उन्होंने एक मार्च 2020 के बाद इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिट सब टाइटल विथ अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सन नेटवर्क ने जिन्होंने फिल्म को जेमिनी टी वी प्रीमियर करवाया हुआ था सबसे पहली बार और अब आपको जेमिनी टी के ऊपर ये फिल्म

तो वहाँ पे आप डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इवन नुकूस सरियाना आल इले नाम के साथ सरिलेरूनी के और फिल्म तमिल डब्ड वर्जन में देख सकते हो वहीं पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो मेजर अजय कृष्णा के नाम से इस फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे उड़िया टीवी के ऊपर फिल्म को फिल्म के डब्ड वर्जन को प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे अब बात करें हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर तो हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स रिलीज से पहले ही गोलमाइंस वालों ने काफ़ी बड़ी रकम में खरीदे हुए थे इस बाद में इस फिल्म की डबिंग उन्होंने सरी लेरू नाम के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से सरी लेरू निकरू को हटा के जहाँ पे सरी लेहरू सिर्फ नाम रख के फिल्म को डब कम्प्लीट करवाया सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला फिल्म के गानों को डब नहीं करवाया हुआ है तो गोलमायंस वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे गोलमस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर सरी सरी नाम के साथ हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे यूट्यूब पे गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सरी के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में विथ इंग्लिश सब इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको सरी लेरू निकेवरू फिल्म का जो हिंदी डब्लू वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है टेलीविज़न और यूट्यूब के दोनों के तो जहाँ पे टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म सरी लेरू के नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर यूट्यूब पर यह फिल्म आपको गोलमाइंस के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी डब्लो वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे सरी लेरू निक्योरू जिसको हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है सरी लेरू जहाँ से निक्योरू हटा दिया है सरी लेरू निकेवरू का फुल फॉर्म है नोबडी कैन यू जहाँ पे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसके अलावा इस फिल्म को 2020 में तेलुगु लैंग्वेज में एक्शन कॉमेडी जोनर के साथ रिलीज किया गया था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है राम बर्राम सुंकरना ने जहां पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन पचहत्तर करोड़ था और उनके साथ इस फिल्म को जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए के एंटरटेनमेंट ने भी प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे एक एंटरटेनमेंट ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इसके अलावा इस फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो अनिल रविपुरी का है उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डेक्शन ये सभी चीज़ें अनिल रवि पुड़ी ने ही की हुई है इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो महेश बाबू रश्मिका मंदना आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे विजय शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद राव रमेश मुरली शर्मा पोषाणी कृष्णा मुरली सत्यदेव कांचराना और ब्रह्मा जी आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे तनिकेला भरानी संगीता जयप्रकाश अजय रघु बाबू सुब्बा राजू वेनेला किशोर राजीव कनकला बंदना गणेश सूर्या आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सत्या हरितेजा अभिनया रंजिता गौतम राजू दुआसी मोहन वो सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा तमन्ना का केम्योपीरियंस है डांग डांग सॉन्ग में अनिल रवि पुड़ी का भी क्रेडिट में केम्यो अपीरियंस है वहीं पे देवी श्री प्रसाद का भी एक केम्योपीरियंस है माइंड ब्लॉक वाला जो सॉन्ग है उसके ऊपर और शेखर का भी एक केम्योपीरियंस है जिन्होंने माइंड ब्लॉक सॉन्ग में अपीरियंस दिया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं और ये सभी किरदारों की बदौलत फिल्म की कहानी को उन्होंने बढ़िया सा एक अच्छा काम करके दिया हुआ है इसके अलावा हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी की हुई आर राथन वेलू ने जहाँ पे इस फिल्म का जो कलर टोन है कलर करेक्शन है इसके अलावा कैमरा वर्क है वो काफ़ी शानदार टॉप नोट देखने को मिलेगा एडिटिंग की हुए तमिल राजू ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक मिनट के आसपास ये फिल्म है दो घंटे और समझ लो पचास मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा लंबा है लेकिन सुपरस्टार की फिल्म है तो इस वजह से सभी चीज़ें आसानी से इग्नोर हो जाती है इस फिल्म को सिर्फ तेलुगू लैंग्वेज में बनाया गया था जहाँ पे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था इस फिल्म को और काफी बेहतरीन रिस्पांस भी मिला हुआ था इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूं कि महेश बाबू ने प्रॉपर अनाउंस किया होता कि एज ए लीड हीरो वो एक फिल्म में काम करने वाले जहां पे अनिल रवि उसको डायरेक्ट करने वाले और उस फिल्म का नाम है सरी लेरू निकेरू फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी सेट की गई थी 31 मई 2019 को जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिली थी तो बताया गया था रश्मि रश्मि रश्मिका मंदना को महेश बाबू के अपोजिट कास्ट किया गया विजय शांति इस फिल्म के साथ कमबेक करने वाली फिल्मों में जो तेरह साल के बाद फिर से आ रही है तमन्ना का एक आपको पार्टी सॉन्ग सुनने को मिलेगा वहीं पे संगीता और बंडला गणेश भी काफ़ी सालों के बाद इस फिल्म से कमबेक करने वाले तो ये थोड़ी बहुत कास्टिंग के ऊपर डिटेलिंग मिली हुई थी उसके बाद में बताया गया था फिल्मिंग के ऊपर कि फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में सेट किया गया था जुलाई पाँच से जुलाई बीस 2019 में इसके अलावा सेकंड शेड्यूल है वो सेट किया गया था कोंडा रेड्डी बुरुजू जो और रामोजी फिल्म सिटी वहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया था वो सेट और उसके बनाने में करीबन चालीस मिलियन डॉलर लगे हुए थे सॉरी चालीस मिलियन रुपीस लगे हुए थे इंडियन करेंसी और 8 नवंबर 2019 तक फिल्म का एक केरला का शेड्यूल था वो भी शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था इस तरह से फिल्म के अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में फिल्म को दिसंबर 2019 तक पूरी तरह से पेचवर्क सॉन्ग के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म का म्यूज़िक प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम कम्प्लीट करवाया गया डबिंग का काम कम्प्लीट करवाया गया और उसके बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पर म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के गानों को कम्पोज किया हुआ देवी प्रसाद ने और सॉन्ग्स भी उन्होंने ही कम्पोज और साथ ही में बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा 2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 5 जनवरी 2020 तक सभी गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था यूट्यूब पे और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इन गानों के राइट्स खरीदे हुए लहरी म्यूजिक और टी सीरीज ने जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे सभी गानों की टोटल लेंथ है इक्कीस मिनट छः सेकंड गानों को तेलुगु तमिल और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी बनाया गया है जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज का मेन ट्रैक लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला गाना था माइंड ब्लॉग जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्रीमणि ने और देवश्री प्रसाद ने सिंगर थे ब्लाज और रेनिना रेड्डी दूसरा गाना था सूर्य वो चंद्रद्रव्य उसके लिरिक्स रामजोग शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे बी प्राक तीसरा गाना था ही इज सो क्यूट उसके लिरिक्स लिखे हुए थे श्री मनी ने सिंगर थे मधु प्रिया चौथा गाना था सली एंथम जिसके लिरिक्स देवी श्री प्रसाद ने लिखे हुए थे सिंगर थे शंकर महादेवन पांचवा गाना था डांग डांग जिसमें तमन्ना पीरियंस करती है वो वाला पार्टी सॉन्ग है उसके लिरिक्स रामजोग शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे नकाश सजीस और लविता लोबो और इन सभी गानों को तेलुगू और कन्नाडा वर्जन में भी डब किया गया था जहाँ पे तमिल सॉरी तमिल और कन्नाडा वर्जन में भी गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में फिल्म का नाम था इवन नो को सरियाना आल इलाई वहीं पे कन्नडा वर्जन में मेजर अजय कृष्णा के नाम से फिल्म को डब करवाया गया था इस फिल्म के डब्ड वर्जन को तमिल वर्जन को 2020 में अवेलेबल किया गया था रिलीज़ किया गया था करीबन 200 थिएटर में तमिलनाडु में तमिल वर्जन को रिलीज किया गया था जिसका नाम था इवन नुक्कू सरियाना आली लाए। और मेजर अजय कृष्णा के नाम से कनाडा वर्जन को टेलीविज़न पर डायरेक्ट प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पर कनाडा डब वर्जन के राइट्स उड़िया टीवी ने खरीदे हुए थे कन्नडा के वर्जन के लिए अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वो राइट्स क्योंकि तेलुगु फिल्म में कन्नाडा वर्जन में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती है कर्नाटक में तेलुगु फिल्मों को काफ़ी सराहाया जाता है वहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री की फिल्म में जितनी भी सराहना होती है उसमें सबसे ज्यादा कन्नाडा फिल्मों सॉरी तेलुगु फिल्मों को, को कर्नाटक में सराहना ज़्यादा मिलती है अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो महेश बाबू जो लीड रोल है मेजर अजय कृष्णा का वो प्ले कर रहे पेरा एस इसके अलावा रश्मि का मंदना अजय का लव

किया हुआ है जो एक पेरा एसे थे अजय नाम का रोल है वो उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भारती के बेटे है। ब्रह्मा जी ने लोयर मृदुंगा राव का रोल प्ले किया हुआ है भरानी को मिनिस्टर का रोल दिया गया था संगीता ने सोम जय का रोल प्ले किया हुआ है जयप्रकाश रेड्डी ने नागेंद्र के पिता का रोल प्ले किया हुआ है अजय ने नागेंद्र के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे रघु बाबू को टीचर का रोल दिया गया था टीचर तिरुपति राव वाला जो नागेंद्र के साइड थे वहीं पे सुब्बा राजू को क्राइम ब्रांच कोटी का रोल दिया गया, गया किशोर का रोल प्ले किया हुआ था जो क्राइम ब्रांच कोटिक के असिस्टेंट थे राजीव कनकला को रामकृष्ण का रोल दिया गया था जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे बंडला गणेश को ब्लेड, ब्लेड गणेश का रोल प्ले करने को दिया गया था सूर्या ने सूर्या राव का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने ट्रेन पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हरि तेजा को स्वेचा का रोल दिया गया था अभिनया रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन के रोल को नाम नहीं दिया गया था इसके अलावा तमन्ना का केम्यो अपीरियंस था डांग डांग सॉन्ग में अनिल रविपुड़ी का क्रेडिट में कैम्यूअपीरियंस था देवी श्री प्रसाद और शेखर का माइंड ब्लॉक गाने में केम्यो अपीरियंस था तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर अजय यानी कि वो रोल प्ले कर रहे हैं महेश बाबू जो एक पेरा एस एफ है जो एक मिलिट्री ऑफिसर है जो इंडियन आर्मी के लिए सिंसियरली काम करते हुए आ रहे जो एक डेरिंग मिलिट्री ऑफिसर है दूसरी तरफ भारती जिसका रोल प्ले कर रहे हैं विजय शांति जो एक सिंसियर प्रोफेसर है जो करनुल सिटी में एक प्रोफेसर का काम करते हुए आ रहे काफ़ी लंबे समय से वो एक प्रॉब्लम में फंसती है और वो प्रॉब्लम है प्रकाश राज वो एक लोकल मिनिस्टर है और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते प्रकाश राज भारतीय और उसकी फैमिली को मारना चाहता है अब उसके लिए वो सभी चीज़ों करने के लिए वो एक प्लान क्रिएट करता है जब ये सभी चीज़ें जा रही होती है जब भारतीय उसकी फैमिली को उसके बच्चों को प्रकाश राज के गुंडे मारने आ रहे थे ठीक उसी समय अजय किसी तरह से आ जाता है और उनको बचा लेता है अब ये भारती कौन है अजय का उससे कनेक्शन क्या है अजय क्यों कर्न लाया हुआ था ये सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है तो यही सब सवालों में फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है अनडाउटेडली सरिलेरू निकेरू महेश बाबू का वन वे शो है जिस तरह से वो स्टार हीरो के तौर पे हमारे सामने एक मैग्नमस तरीके से अपने रोल को डिलीवर करते उसमें जो डिफरेंट वेरिएशन लाते वो सभी चीज़ें हमें पसंद आती है महेश बाबू का मास क्लास एक्शन अवतार वो सभी चीज़ों को सुपर मैनर में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है उसको जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसने बेहतरीन वे में महेश बाबू ने डिलीवर किया हुआ है जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें फैंस के साथ साथ न्यूट्रल ऑडियंस को भी पसंद आएगी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में महेश बाबू वैसे डांस तो नहीं करते उतना कुछ लेकिन माइंड ब्लॉ गाने में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो आपको ज़रूर इम्प्रेसिव लगेगा जो सभी चीज़ें ऑडियंस के लिए एक ट्रीट मानी जाएगी इसके अलावा फिल्म की फिल्म में जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रश्मिका मंदना के साथ वो भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे रश्मिका मंदना के साथ जितने भी ट्रेन एपिसोड क्रिएट किए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे और उसके ऊपर रश्मिका मंदना ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है वो अपने रोल में काफ़ी फनी नज़र आ रही थी उनके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट करने में कामयाब रही है रश्मिका मंदना ने जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ काम किया हुआ है अपनी डायलॉग डिलीवरी में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में अपने किरदार के साथ जो वन लाइनर्स थे जो कॉमेडी पंचीज थे उसको अच्छी तरह से उन्होंने डिलीवर किया हुआ था जिस वजह से रश्मिका मंदना का जो जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा इसके अलावा फिल्म में संगीता देखने को मिलती है जिनको डिसेंट रोल दिया गया है काफी लंबे समय के बाद वो तेलुगु फिल्मों में नजर आ रही थी जिसमें उनका काम अच्छा था राजेंद्र प्रसाद का एक नीट सपोर्टिंग रोल था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे राव रमेश मुरली शर्मा अजय सभी लोग की रोल प्ले कर रहे थे जिसमें वो सभी लोग इम्प्रेसिव नजर आ रहे थे अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे थे एक नेचुरल परफॉर्मेंस दे रहे थे शो so कॉल्ड जो ट्रेन एपिसोड देखने को मिलते वो पूरी तरह से हाइप क्रिएट की गई थी उसको फुलफिल करने में कामयाब रहते हैं वहाँ पर काफी बढ़िया एंटरटेनमेंट क्रिएट होता है बंडला गणेश ने जिस तरह से कुछ कॉमेडी मोमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा विजय शांति ने एक शो किया हुआ है उनका रोल फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट तरीके से पेश किया हुआ है उसकी लिखावट काफी बढ़िया थी उस रोल की फिल्म में काफी अहमियत थी जिसको उन्होंने अच्छी तरह से निभाया हुआ है फिल्म में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में सीरियसनेस और बढ़िया तरीके से एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में कामयाब रहता है उनके डायलॉग डिलीवरी में वो पावरफुल बात नजर आ रही थी जिस तरह से उन्होंने महेश भाव के साथ जो केमिस्ट्री शेयर की हुई है वो फिल्म को और चार चांद लगा देती है प्रकाश राज एज एक्सपेक्टेड जिस तरह से विलन का रोल प्ले कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उसमें नज़र आ रहे थे और अपनी सेटायर कॉमेडी के साथ जो फन क्रिएट करने में वो कामयाब रहते थे वो आपको जरूर पसंद आएगा फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया गया है जहाँ पे पेट्रोटिज्म वाले भी फीलिंग देखने को मिलती है फिल्म के स्टार्टिंग में कुछ फाइट सिक्वेंस देखने को मिलते हैं इसके बाद में ट्रेन एपिसोड आता है वहाँ पे कुछ कॉमेडी और फैमिली मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल वो एक अच्छा मिक्सअप क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा इंटरवल बैंग आपको देखने को मिलता है फिल्म का जो बेसिक एसेट है वो फिल्म में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है जिस तरह से रेगुलर इंटरवल पे लोगों को एंगेज करते हैं कॉमेडी के साथ वो है वो फिल्म को आसानी से एंटरटेनिंग बनाता है इसके अलावा फिल्म में डीएसपी का जो म्यूजिक है वो फिल्म का अनदर एक के एसेट पॉइंट है जहाँ पे फिल्म का जो गाना है फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था जिस तरह से गानों को सेट किया होता वो बढ़िया था सीन के साथ जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर बन बढ़ता है वो अच्छी तरह से एक अच्छा मास

पहले हाफ के मुकाबले काफी ज्यादा रूटीन और जिस तरह हीरो विलन के सीन दिखाए हुए थे वो सभी चीजें पहले हमने कई फिल्मों में देखी हो उसी टाइप की नज़र आ रही थी उसमें कुछ नयापन नज़र नहीं आ रहा था उसको दिखाने का तरीका उतना बेहतर नहीं था उसका एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था फिल्म का क्लाइमेक्स थोड़ा डल नज़र आएगा और स्लाइटली ओवर दी टॉप भी नज़र आएगा वहाँ पर मिक्स क्री रिएक्शन देखने को मिलेंगे एंडिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कुछ सीली नजर आ रही थी तो कुछ ऑडियंस को वो पसंद भी आएगी इसके अलावा फिल्म को करीबन पंद्रह मिनट जितना सेकंड हाफ में बेहतर वे में दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म का टेम्पो अच्छी तरह से ड्रॉप करते वो रूटीन फाइट सीक्वेंस और सीन्स के थ्रू जिसकी वजह से डायरेक्टर रविन रवि पुड़ी अपने आइडिया जो लाए थे हीरोइज्म वाला जो कन्फ्रंटेशन सीन वाले प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में वो पूरी तरह से उतना अच्छा खासा वर्क नहीं करता है इस फिल्म में जो म्यूजिक है उसका काम काफ़ी शानदार है काफ़ी सॉलिड जो फिल्म को एक बड़ा एडवांटेज देता है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉ थी जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म का कलर टोन बढ़िया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी जहाँ पे कैमरा और कितना बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है जो अलग अलग लोकेशन थे जो सीन थे जिस तरह से कर्नल का बैकड्रॉप दिखाया हुआ था कोंडा रेड्डी बुरजू का लुक्स दिखाया हुआ था जो सभी चीज़ें को काफ़ी अच्छी तरह से मेकअप मेकरस ने क्रिएट करके हमारे सामने पेश किया हुआ है जहाँ पे कैमरा ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है इसके अलावा जो दो सॉन्ग को कम्पोज किया हुआ था के ऊपर जो कोरियोग्राफी देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है जहाँ पे स्पेशली माइंड ब्लॉक वाले गाने में काफ़ी बढ़िया कोरियोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं जहाँ पे कुछ पंडाइन सबको जरूर हंसाने कामयाब रहेंगे कुछ मास पंचीज देखने को मिलते जो जरूर अच्छा खासा इंपेक्ट क्रिएट करते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में बढ़िया था वहीं पर सेकेंड हाफ़ में उतना कुछ खास नहीं था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से फन क्रिएट किया हुआ था जिस तरह से इंटरवल तक फिल्म की कहानी को सेट किया जाता है वो बढ़िया नजर आ रहा था लेकिन सेकेंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को रेजी मैनर में दिखाया हुआ था जिस को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था <coughs> इस फिल्म एडिटिंग के थ्रू का काम किया जा सकता था महेश बाबू को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था अनिल रवि पुड़ी ने फिल्म के साथ अच्छा खासा काम किया हुआ है वहीं पे उन्होंने महेश बाबू के किरदार को जिस तरह से मजबूती के साथ शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हीरोइज्म वाला किरदार दिखाया हुआ है ही में इमोशनल कंटेंट भी डाला हुआ है इस फिल्म में कॉमेडी भी उन्होंने डाली हुई है जो इंग्रेगुलर इंटरवल पर हमें हसाती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के बेसिक कैसेट है लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने हर बार जल्दबाजी में क्लाइमैक्स को हमारे सामने कन्विंस इतना कुछ कन्विंस मैनर में नहीं दिखाया हुआ जिस वजह से वो सभी चीज थोड़ी कम पसंद आ सकती है तो ओवरऑल सरिल और सरील एक ऐसा मिक्स वाली फिल्म है सरिलहरू पे काफी सारी चीजों का कॉम्बो देखने को मिलता है ये मल्टी जोनर फिल्म है जहां पे ड्रामा पेट्रोटिज्म सभी टाइप की फीलिंग नजर आएगी और ये एक परफेक्ट एंटरटेनर है जिसमें बढ़िया तरीके से रेगुलर इंटरवल पे कॉमेडी आपको हंसाने में कामयाब रहती है कुछ अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं मास सीक्वेंस देखने को मिलते हैं और ओवरऑल ये फिल्म महेश बाबू के लिए देखी जा सकती है उनके मास फाइट उनके गानों में जो डांस है जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए जो एक्शन है वो सभी चीजें फिल्म को और बढ़िया बनाती है सिर्फ क्लाइमेक्स थोड़ा फिल्म का वीक है सेकंड खंड थोड़ा स्लाइटली खींचा हुआ है अदरवाइज़ ये फिल्म फैंस और मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है जिस तरह से महेश बाबू को प्रेजेंट किया हुआ है वो बढ़िया है तो ओवरऑल इस फिल्म को ज़रूर देखा जा सकता है जहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा खासी तरीके से क्रिएट किया हुआ है फैंस के लिए तो इसे मिस इस नहीं करना चाहिए रिलीज़ के ऊपर बात करें तो ग्या, ग्यार ग्यारह जनवरी दो को इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आई पे करीबन आठ हजार के आसपास वोट मिले हुए जिसमें पांच पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से पिचहत्तर करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ था जिस वजह से इस फिल्म ने करीबन पचास दिनों के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया पचास दिनों से ऊपर का रन लिया हुआ था जिसकी वजह से वो फिल्म वन ऑफ द हाइस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म साबित हुई थी दो में जहाँ पे अला वहींपुरम लो और ये फिल्म दोनों फिल्म एक साथ में आई थी लेकिन दोनों फिल्म अच्छी खासी तरीके से वर्क कर गए और दोनों फिल्मों ने ढाई करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन क्शन किया इस फिल्म ने भी पिछहत्तर करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने करीबन दो करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था वर्ल्ड वाइड तो तेलुगु फिल्मों के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज में आने वाली फिल्म के हिसाब से इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था फिल्म को कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे जहाँ पे कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेस भी किया गया था अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा हिंदी सभी वर्ज़न में कहाँ पे देख सकते हो तो इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में आप देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर जिन्होंने बड़ी प्राइज़ में इस फिल्म के राइट्स ख़रीदे हुए उन्होंने एक मार्च 2020 के बाद इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे सैटेलाइट राइट्स ख़रीदे हुए सन नेटवर्क ने जिन्होंने फिल्म को जेमिनी टी वी प्रीमियर करवाया हुआ था सबसे पहली बार और अब आपको जेमिनी टीवी के ऊपर ये फिल्म देखने को मिल जाएगी सर के निकेरू के साथ तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहीं पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी फिल्म का तमिल डब्ड वर्जन यानि इवन नोको सर आल इलाई जिसके राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार ने जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तमिल डब्ड वर्जन के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पे आप डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इवन नुकू सरियाना अल नाम के साथ सरिलेरूनी के और फिल्म तमिल डब्ड वर्जन में देख सकते हो वहीं पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो मेजर अजय कृष्णा के नाम से इस फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे उड़िया टीवी के ऊपर फिल्म को फिल्म के डब्ड वर्ज़न को प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे अब बात करें हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर तो हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स रिलीज से पहले ही गोलमाइंस वालों ने काफ़ी बड़ी रकम में खरीदे हुए थे इस बाद में इस फिल्म की डबिंग उन्होंने सरी लेरू नाम के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाई जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से शरीर जहाँ पे शरीर लेहरू सिर्फ नाम रख के फिल्म को डब कंप्लीट करवाया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला फिल्म के गानों को डब नहीं करवाया हुआ है तो गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म के सेटेलाइट और ओ राइट्स दोनों खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे गोलमस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर सरी सरी नाम के साथ हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे यूट्यूब पे गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में विथ इंग्लिश सब इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको सरी लेरू निकलू फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है टेलीविज़न और यूट्यूब के दोनों के तो जहाँ पे टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म सरी लेरू के नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर यूट्यूब पर यह फिल्म आपको गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे सरी लेरू निक्योरू जिसको हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है सरी लेरू जहाँ से निके हटा दिया है सरी लेरू निके का फुल फॉर्म है नो बडी कैन यू जहाँ पे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसके अलावा इस फिल्म को 2020 में तेलुगु लैंग्वेज में एक्शन कॉमेडी जोनर के साथ रिलीज़ किया गया था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है राम बर्रम सुना ने जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन पचहत्तर करोड़ था और उनके साथ इस फिल्म को जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए के इंटरटेनमेंट ने भी प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे एक एंटरटेनमेंट ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इसके अलावा इस फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो अनिल रविपुरी का है उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ये सभी चीजें अनिल रवि पुड़ी ने ही की हुई है इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो महेश बाबू रश्मिका मंदना आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे विजय शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद राव रमेश मुरली शर्मा पोसानी कृष्णा मुरली सत्यदेव कांचराना और ब्रह्मा जी आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे तनिकेला भरानी संगीता जयप्रकाश अजय रघु बाबू सुब्बा राजू विनेला किशोर राजीव कनकला बंदना गणेश सूर्या आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सत्या हरितेजा अभिनया रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन वो सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा तमन्ना का केम्योपीरियंस है डांग डांग सॉन्ग में अनिल रवि पुड़ी का भी क्रेडिट में केम्योपीरियंस है वहीं पे देवी श्री प्रसाद का भी एक केम्योपीरियंस है माइंड ब्लॉक वाला जो सॉन्ग है उसके ऊपर और शेखर का भी एक केम्योपीरियंस है जिन्होंने माइंड ब्लॉक सॉन्ग में अपीरियंस दिया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं और ये सभी किरदारों की बदौलत फिल्म की कहानी को उन्होंने बढ़िया सा एक अच्छा काम करके दिया हुआ है इसके अलावा हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी की हुई आर राथन वेलू ने जहाँ पे इस फिल्म का जो कलर टोन है कलर करेक्शन है इसके अलावा कैमरा वर्क है वो काफ़ी शानदार टॉप नोट देखने को मिलेगा एडिटिंग की हुए तमिल राजू ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक मिनट के आसपास ये फिल्म है दो घंटे और समझ लो पचास मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा लंबा है लेकिन सुपरस्टार की फिल्म है तो इस वजह से सभी चीज़ें आसानी से इग्नोर हो जाती है इस फिल्म को सिर्फ तेलुगू लैंग्वेज में बनाया गया था जहाँ पे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को और काफी बेहतरीन रिस्पांस भी मिला हुआ था इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूं कि महेश बाबू ने प्रॉपर अनाउंस किया हुआ था कि एज ए लीड हीरो वो एक फिल्म में काम करने वाले जहाँ पे अनिल रविपुड़ी उसको डायरेक्ट करने वाले और उस फिल्म का नाम है सरी लेरू निकेरू फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी सेट की गई थी इकतीस मई दो को जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिली थी तो बताया गया था कि रश्मिका मंदना को महेश बाबू के अपोजिट कास्ट किया गया है विजय शांति इस फिल्म के साथ कम करने वाली है फिल्मों में जो तेरह साल के बाद फिर से आ रही है तमन्ना का एक आपको पार्टी सॉन्ग सुनने को मिलेगा वहीं पे संगीता और बंडला गणेश भी काफ़ी सालों के बाद इस फिल्म से कम करने वाले तो ये थोड़ी बहुत कास्टिंग के ऊपर डिटेलिंग मिली हुई थी उसके बाद में बताया गया था फिल्मिंग के ऊपर कि फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में सेट किया गया था जुलाई पाँच से जुलाई बीस दो में इसके अलावा सेकंड शेड्यूल है वो सेट किया गया था कोंडा रेड्डी बुरुजू जो और रामोजी फिल्म सिटी है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था वो सेट और उसके बनाने में करीबन 40 मिलियन डॉलर लगे हुए थे सॉरी चालीस मिलियन रुपीस लगे हुए थे इंडियन करेंसी और 8 नवंबर 2019 तक फिल्म का एक केरला का शेड्यूल था वो भी शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था इस तरह से फिल्म के अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में फिल्म को दिसंबर 2019 तक पूरी तरह से पेचवर्क सॉन्ग के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म का म्यूजिक म्यूज़िकी प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का, का, <E का काम कम्प्लीट करवाया गया, गया। डबिंग का काम कम्प्लीट करवाया गया और उसके बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के गानों को कंपोज़ किया हुआ देवीश्री प्रसाद ने और सॉन्ग्स भी उन्होंने ही उसके और साथ ही में बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा 2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 5 जनवरी 2020 तक सभी गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था यूट्यूब पे और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इन गानों के राइट्स खरीदे हुए लहरी म्यूजिक और टी सीरीज़ ने जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे सभी गानों की टोटल लेंथ है इक्कीस मिनट छः सेकंड गानों को तेलुगु तमिल और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी बनाया गया है जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज का मेन ट्रैक लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला गाना था माइंड ब्लॉग जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्रीमणि ने और देवश्री प्रसाद ने सिंगर थे ब्लास और रेनिना रेड्डी दूसरा गाना था सूर्दी वो चंद्रद्रिव्य उसके लिरिक्स रामजोग शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे बी प्राक तीसरा गाना था ही इज सो क्यूट उसके लिरिक्स लिखे हुए थे श्री मनी ने सिंगर थे मधु प्रिया चौथा गाना था सली निके एंथम जिसके लिरिक्स देवी श्री प्रसाद ने लिखे हुए थे सिंगर थे शंकर महादेवन पांचवा गाना था डांग डांग जिसमें तमन्ना अपीरियंस करती है वो वाला पार्टी सॉन्ग है उसके लिरिक्स रामजोग शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे नकाश अजीज और लविता लोबो और इन सभी गानों को तेलुगू और कन्नाडा वर्ज़न में भी डब किया गया था जहाँ पे तमिल सॉरी तमिल और कन्नडा वर्जन में भी गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में फिल्म का नाम था इवन नो को सरियाना आल इलाई वहीं पे कन्नडा वर्जन में मेजर अजय कृष्णा के नाम से फिल्म को डब करवाया गया था इस फिल्म के डब्ड वर्ज़न को तमिल वर्जन को 2020 में अवेलेबल किया गया था रिलीज़ किया गया था करीबन 200 थिएटर में तमिलनाडु में तमिल वर्ज़न को रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था इवन नुक्कू सरियाना आली लाई और मेजर अजय कृष्णा के नाम से कनाडा वर्जन को टेलीविज़न पर डायरेक्ट प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पर कनाडा डब वर्जन के राइट्स उड़िया टीवी ने खरीदे हुए थे कनाडा के वर्जन के लिए अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वो राइट्स क्योंकि तेलुगु फिल्म में कन्नाडा वर्जन में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती है कर्नाटक में तेलुगु फिल्मों को काफ़ी सराहाया जाता है वहाँ पे दूसरे इंडस्ट्री की फिल्में जितनी भी सराहना होती है उसमें सबसे ज़्यादा कन्नाडा फिल्मों सॉरी तेलुगु फिल्मों को, को कर्नाटक में सराहना ज़्यादा मिलती है अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो महेश बाबू जो लीड रोल है मेजर अजय कृष्णा का वो प्ले कर रहे प्यरा एस एफे इसके अलावा रश्मिका मंदना अजय का लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करे जिनका नाम है समरुक्ति विजय शांति को भारती का रोल दिया गया था जो मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर थी प्रकाश राज ने एम एल युद्धम नागेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक करप्ट मिनिस्टर है राजेंद्र प्रसाद आपको शिवा प्रसाद के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने अजय के कलिक का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश ने राघव का रोल प्ले किया हुआ है जो समृक्ति के फादर है मुरली शर्मा आपको अजय के ब्रिगेडियर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर पोषानी कृष्णा मुरली को सीआई नारायण का रोल दिया गया था सत्यदेव कांचराना ने एक इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है जो एक पेरा एस थे अजय नाम का रोल है वो उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भारती के बेटे है ब्रह्मा जी ने लॉयर मृदुंगा राव का रोल प्ले किया हुआ है तनिकला भरानी को मिनिस्टर का रोल दिया गया था संगीता ने सोमजय का रोल प्ले किया हुआ है जयप्रकाश रेड्डी ने नागेंद्र के पिता का रोल प्ले किया हुआ है अजय ने नागेंद्र के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे रघु बाबू को टीचर का रोल दिया गया था टीचर तिरुपति राव वाला जो नागेंद्र के साइड की थे वहीं पे सुब्बा राजू को क्राइम ब्रांच कोटी का रोल दिया गया वेनेला किशोर ने किशोर का रोल प्ले किया हुआ था जो क्राइम ब्रांच कोटी के असिस्टेंट थे राजीव कनकला को रामकृष्ण का रोल दिया गया था जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे बंडला गणेश को ब्लेड, ब्लेड गणेश का रोल प्ले करने को दिया गया था सूर्या ने सूर्या राव का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने ट्रेन पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर हरी तेजा को स्वेच्छा का रोल दिया गया था अभिनया रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन के रोल को नाम नहीं दिया गया था इसके अलावा तमन्ना का केम्यूअपीरियंस था डांग डांग सॉन्ग में अनिल रविपुड़ी का क्रेडिट में केमियो अपीरियंस था देवी श्री प्रसाद और शेखर का माइंड ब्लॉक गाने में केम्योअपीरियंस था तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर अजय यानी कि वो रोल प्ले कर रहे हैं महेश बाबू जो एक पेरा एस एफ है जो एक मिलिट्री ऑफिसर है जो इंडियन आर्मी के लिए सिंसियरली काम करते हुए आ रहे जो एक डेरिंग मिलिट्री ऑफिसर है दूसरी तरफ भारती जिसका रोल प्ले कर रहे विजय शांति जो एक सिंसियर प्रोफेसर है जो करनूल सिटी में एक प्रोफेसर का काम करते हुए आ रही काफ़ी लंबे समय से वो एक प्रॉब्लम में फंसती है और वो प्रॉब्लम है प्रकाश राज वो एक लोकल मिनिस्टर है और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते प्रकाश राज भारतीय और उसकी फैमिली को मारना चाहता है अब उसके लिए वो सभी चीज़ों करने के लिए वो एक प्लान क्रिएट करता है जब ये सभी चीज़ें जा रही होती है जब भारतीय उसकी फैमिली को उसके बच्चों को प्रकाश राज के गुंडे मारने आ रहे थे ठीक उसी समय अजय किसी तरह से ला जाता है और उनको बचा लेता है अब ये भारती कौन है अजय का उससे कनेक्शन क्या है अजय क्यों कर्नू लाया हुआ था ये सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है तो यही सब सवालों में फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है अनडाउटेडली सरिलेरू निकेवरू महेश बाबू का वन वे शो है जिस तरह से वो स्टार हीरो के तौर पे हमारे सामने एक मैग्नमस तरीके से अपने रोल को डिलीवर करते उसमें जो डिफरेंट वेरिएशन लाते वो सभी चीज़ें हमें पसंद आती है महेश बाबू का मास क्लास एक्शन अवतार वो सभी चीज़ों को सुपर मैनर में, में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है उसको जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसने बेहतरीन वे में महेश बाबू ने डिलीवर किया हुआ है जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें फैंस के साथ साथ न्यूट्रल ऑडियंस को भी पसंद आएगी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में महेश बाबू वैसे डांस तो नहीं करते उतना कुछ लेकिन माइंड ब्लॉक गाने में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो आपको ज़रूर इम्प्रेसिव लगेगा जो सभी चीज़ें ऑडियंस के लिए एक ट्रीट मानी जाएगी इसके अलावा फिल्म की फिल्म में जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रश्मिका मंदना के साथ वो भी काफी बढ़िया नजर आ रही थी जहाँ पे रश्मिका मंदना के साथ जितने भी ट्रेन एपिसोड क्रिएट किए वो काफी बढ़िया थे और उसके ऊपर रश्मिका मंदना ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ है वो अपने रोल में काफी फनी नजर आ रही थी उनके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो काफी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट करने में कामयाब रही है रश्मिका मंदना ने जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ काम किया हुआ है अपनी डायलॉग डिलीवरी में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में अपने किरदार के साथ जो वन लाइनस थे जो कॉमेडी पंचीज थे उसको अच्छी तरह से उन्होंने डिलीवर किया हुआ था जिस वजह से रश्मिका मंदना का जो जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा इसके अलावा फिल्म में संगीता देखने को मिलती है जिनको डिसेंट रोल दिया गया है काफी लंबे समय के बाद वो तेलुगु फिल्मों में नजर आ रही थी जिसमें उनका काम अच्छा था राजेंद्र प्रसाद का एक नीट सपोर्टिंग रोल था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे राव रमेश मुरली शर्मा अजय सभी लोग की रोल प्ले कर रहे थे जिसमें वो सभी लोग इम्प्रेसिव नज़र आ रहे थे अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे थे एक नेचुरल परफॉर्मेंस दे रहे थे so कॉल्ड जो ट्रेन एपिसोड देखने को मिलते वो पूरी तरह से हाइप क्रिएट की गई थी उसको फुलफिल करने में कामयाब रहते वहाँ पर काफ़ी बढ़िया एंटरटेनमेंट क्रिएट होता है बंडला गणेश ने जिस तरह से कुछ कॉमेडी मोमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा विजय शांति ने एक किया हुआ है उनका रोल फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट तरीके से पेश किया हुआ है उसकी लिखावट काफी बढ़िया थी उस रोल की फिल्म में काफी अहमियत थी जिसको उन्होंने अच्छी तरह से निभाया हुआ है फिल्म में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में सीरियसनेस और बढ़िया तरीके से एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में कामयाब रहता है उनके डायलॉग डिलीवरी में वो पावरफुल बात नज़र आ रही थी जिस तरह से उन्होंने महेश भाव के साथ जो केमिस्ट्री शेयर की हुई है वो फिल्म को और चार चांद लगा देती है प्रकाश राज एज एक्सपेक्टेड जिस तरह से विलन का रोल प्ले कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उसमें नज़र आ रहे थे और अपने सेटायर कॉमेडी के साथ ये जो फन क्रिएट करने में वो कामयाब रहे थे वो वापस ज़रूर पसंद आएगा फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया गया है जहाँ पे पेट्रोटिज्म वाली भी फीलिंग देखने को मिलती है फिल्म के स्टार्टिंग में कुछ फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं इसके बाद में ट्रेन एपिसोड आता है वहाँ पे कुछ कॉमेडी और फैमिली मोमेंट्स भी देखने को मिलते तो ओवरऑल वो एक अच्छा मिक्सअप क्रिएट किया हुआ था जहां पे एक अच्छा इंटरवल बैंग आपको देखने को मिलता है फिल्म का जो बेसिक एसेट है वो फिल्म में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है जिस तरह से रेगुलर इंटरवल पे लोगों को एंगेज करते हैं कॉमेडी के साथ वो है वो फिल्म को आसानी से एंटरटेनिंग बनाता है इसके अलावा फिल्म में डीएसपी का जो म्यूजिक है वो फिल्म का अनदर एक के एसेट पॉइंट है जहाँ पे फिल्म का जो गाना है फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था जिस तरह से गानों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था सीन के साथ जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर बन बढ़ता है वो अच्छी तरह से एक अच्छा मास एलिवेशन सीन क्रिएट करता है इमोशनल कॉमेडी डिपार्टमेंट में भी जो म्यूजिक डाला हुआ है वो बढ़िया था फिल्म की आ रही थी जितने टी -स्टोर देखने को मिलते उतने वे में वर्क नहीं करते क्योंकि वो सभी चीजें आसानी से प्रिडिक्ट हो जाती है फिल्म की जिस तरह से डायरेक्शन किया हुआ था जिस क्या हुआ था पूरी तरह से रूटीन नजर आ रहा था फिल्म का सेकंड हाफ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा रूटीन और जिस तरह हीरो विलन के सीन दिखाए हुए थे वो सभी चीजें पहले हमने कई फिल्म हम देखी हो उसी टाइप की नज़र आ रही थी उसमें कुछ नयापन नज़र नहीं आ रहा था उसको दिखाने का तरीका उतना बेहतर नहीं था उसका एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था फिल्म का क्लाइमेक्स थोड़ा डल नज़र आएगा और स्लाइटली ओवर दी टॉप भी नजर आएगा वहाँ पे मिक्स रिएक्शन देखने को मिलेंगे एंडिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कुछ सीली नज़र आ रही थी तो कुछ ऑडियंस को वो पसंद भी आएगी इसके अलावा फिल्म को करीबन पंद्रह मिनट जितना सेकेंड हाफ में बेहतर वे में दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म का टेम्पो अच्छी तरह से ड्रॉप करते वो रूटीन फाइट सीक्वेंस और सीन्स के थ्रू जिसकी वजह से डायरेक्टर रवि पुरी, पुरी अपने आइडिया जो लाए थे हीरोइज़्म वाला जो कन्फ्रंटेशन सीन वाले प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में वो पूरी तरह से उतना अच्छा खासा वर्क नहीं करता है इस फिल्म में जो म्यूजिक है उसका काम काफ़ी शानदार है काफ़ी सॉलिड जो फिल्म को एक बड़ा एडवांटेज देता है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉट थी जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी फिल्म का कलर टोन बढ़िया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी जहाँ पे कैमरा और कितना बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है जो अलग अलग लोकेशन थे जो सीन थे जिस तरह से कर्न का बैकड्रॉप दिखाया हुआ था कोंडा रेड्डी बुरजू का लुक्स दिखाया हुआ था जो सभी चीज़ें को काफ़ी अच्छी तरह से मेकअप मेकरस ने क्रिएट करके हमारे सामने पेश किया हुआ है जहाँ पे कैमरा ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है इसके अलावा जो दो सॉन्ग को कम्पोज किया हुआ था उसके ऊपर जो कोरियोग्राफी देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है जहाँ पे स्पेशली माइंड ब्लॉक वाले गाने में काफ़ी बढ़िया कोरियोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं जहाँ पे कुछ फन डाइनर साहब को जरूर हंसाने कामयाब रहेंगे कुछ मास पंचीज देखने को मिलते हैं जो जरूर अच्छा खासा इम्पेक्ट क्रिएट करते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में बढ़िया था वहीं पर सेकेंड हाफ में उतना कुछ खास नहीं था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से फन क्रिएट किया हुआ था जिस तरह से इंटरवॉल तक फिल्म की कहानी को सेट किया जाता है वो बढ़िया नजर आ रहा था लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को रेजी मैनर में दिखाया हुआ था जिस को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था <coughs> इस फिल्म एडिटिंग के थ्रू के काम किया जा सकता था महेश बाबू को अच्छी तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था अनिल रवि ने फिल्म के साथ अच्छा खासा काम किया हुआ है वहीं पे उन्होंने महेश बाबू के किरदार को जिस तरह से मजबूती के साथ शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हीरोइज़्म वाला किरदार दिखाया हुआ है ही में इमोशनल कंटेंट भी डाला हुआ है इस फिल्म में कॉमेडी भी उन्होंने डाली हुई है जो इंग्रेगुलर इंटरवल पर हमें हंसाती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के बेसिक एसेट है लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने हर बार जल्दबाजी में क्लाइमैक्स को हमारे सामने कन्विंस इतना कुछ कन्विंस मेनर में नहीं दिखाया हुआ है जिस वजह से वो सभी चीज़ें थोड़ी कम पसंद आ सकती है तो ओवरऑल सरील नेहरू निकेर एक ऐसा मिक्स रिस्पॉन्स वाली फिल्म है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बो देखने को मिलता है ये मल्टी जोनर फिल्म है जहाँ पे एक्सान रोमांस, ड्रामा पेट्रोटिज्म सभी टाइप की फीलिंग नजर आएगी और ये एक परफेक्ट इंटरटेनर है जिसमें बढ़िया तरीके से रेगुलर इंटरवल पे कॉमेडी आपको हंसाने में कामयाब रहती है कुछ अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं मास सिक्वेंस देखने को मिलते और ओवरऑल और और ये फिल्म महेश बाबू के लिए देखी जा सकती है उनके मास फाइट उनके गानों में जो डांस है जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए जो एक्शन सिक्वेंस वो सभी चीज़ें फिल्म को और बढ़िया बनाती है सिर्फ क्लाइमेक्स थोड़ा फिल्म का वीक है सेकंड हाफ थोड़ा स्लाइटली खींचा हुआ है अदरवाइज ये फिल्म फैंस और मास ऑडियंस को जरूर पसंद आने वाली है जिस तरह से महेश बाबू को प्रेजेंट किया हुआ है वो बढ़िया है तो ओवरऑल इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है जहाँ पे फिल्म को काफी अच्छा खासी तरीके से क्रिएट किया हुआ है फैंस के लिए तो इसे मिस इस नहीं करना चाहिए रिलीज के ऊपर बात करें तो ग्यारह जनवरी दो को इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे आई पे करीबन आठ के आसपास वोट मिले हुए जिसमें पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से पिछहत्तर करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ था जिस वजह से इस फिल्म ने करीबन पचास दिनों के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया पचास दिनों से ऊपर का रन लिया हुआ था जिसकी वजह से वो फिल्म वन ऑफ द हाइस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म साबित हुई थी दो हज़ार बीस में जहाँ पर फिल्म दोनों फिल्म एक साथ में आई थी लेकिन दोनों फिल्में अच्छी खासी तरीके से वर्क कर गए और दोनों फिल्मों ने ढाई करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया इस फिल्म ने भी पिछहतर करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने करीबन दो करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था वर्ल्ड वाइड तो तेलगुप तेलगू फिल्मों के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज में आने वाली फिल्म के हिसाब से इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था फिल्म ने कहीं रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे जिसके चलते इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था फिल्म को कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे जहाँ पे कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेस भी किया गया था अब हम बात कर लेते इस फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में कहाँ पे देख सकते हो तो इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में आप देख सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जिन्होंने बड़ी प्राइस में इस फिल्म के राइट्स ख़रीदे हुए उन्होंने एक मार्च 2020 के बाद इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे सैटेलाइट राइट्स ख़रीदे हुए सन नेटवर्क ने जिन्होंने फ़िल्म को जेमिनी टी वी प्रीमियर करवाया हुआ था सबसे पहली बार और अब आपको जेमिनी टी के ऊपर ये फिल्म

तो वहाँ पे आप डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इवन नुकू सरियाना आल इले नाम के साथ सर लेरूनी और फिल्म तमिल डब्ड वर्जन में देख सकते हो वहीं पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो मेजर अजय कृष्णा के नाम से इस फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे उड़िया टीवी के ऊपर फिल्म को फिल्म के डब्ड वर्जन को प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे अब बात करें हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर तो हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स रिलीज से पहले ही गोलमाइंस वालों ने काफ़ी बड़ी रकम में खरीदे हुए थे इस बाद में इस फिल्म की डबिंग उन्होंने सरी लेरू नाम के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से सरी लेरू निकरू को हटा के जहाँ पे सरी लेरू सिर्फ नाम रख के फिल्म को डब कम्प्लीट करवाया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला फिल्म के गानों को डब नहीं करवाया हुआ है तो गोलमानस वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे गोलमस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर सरी सरी नाम के साथ हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे यूट्यूब पे गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सरी के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में विथ इंग्लिश सब इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको सरी लेरू निकेवर फिल्म का जो हिंदी डब्बू वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है टेलीविज़न और यूट्यूब के दोनों के तो जहाँ पे टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म सरी लेरू के नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे यूट्यूब पे यह फिल्म आपको गोलमाइंस के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी डब वर्जन में बिल्कुल फ्री में सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे सरी लेरू निकेओरू जिसको हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है सरी लेहरू जहाँ से निक्यू हटा दिया है सरी लेरू निक्योरू का फुल फॉर्म है नोबडी कैन यू जहाँ पे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसके अलावा इस फिल्म को 2020 में तेलुगु लैंग्वेज में एक्शन कॉमेडी जोनर के साथ रिलीज किया गया था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है राम बर्राम सुंकरना ने जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन पचहत्तर करोड़ था और उनके साथ इस फिल्म को जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए के इंटरटेनमेंट ने भी प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे एक एंटरटेनमेंट ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इसके अलावा इस फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो अनिल रविपुड़ी का है उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन ये सभी चीज़ें अनिल रविपुड़ी ने ही की हुई है इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो महेश बाबू रश्मिका मंदना आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे विजय शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद राव रमेश मुरली शर्मा पोसानी कृष्णा मुरली सत्यदेव कांचराना और ब्रह्मा जी आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे तनिकेला भरानी संगीता जयप्रकाश अजय रघु बाबू सुब्बा राजू वेनेला किशोर राजीव कनकला बंदना गणेश सूर्या आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सत्या हरितेजा अभिनया रंजिता गौतम राजू दुआसी मोहन वो सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा तमन्ना का केम्यो अपीरियंस है डांग डांग सॉन्ग में अनिल रवि पुड़ी का भी क्रेडिट में केम्यो अपीरियंस है वहीं पे देवी श्री प्रसाद का भी एक केम्यो अपीरेंस है माइंड ब्लॉक वाला जो सॉन्ग है उसके ऊपर और शेखर का भी एक केम्यो अपीरियंस है जिन्होंने माइंड ब्लॉक सॉन्ग में अपीरेंस दिया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं और ये सभी किरदारों की बदौलत फिल्म की कहानी को उन्होंने बढ़िया सा एक अच्छा काम करके दिया हुआ है इसके अलावा हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी की हुई आर राथन वेलू ने जहाँ पे इस फिल्म का जो कलर टोन है कलर करेक्शन है इसके अलावा कैमरा वर्क है वो काफ़ी शानदार टॉप नोट देखने को मिलेगा एडिटिंग की हुए तमिल राजू ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक मिनट के आसपास ये फिल्में है दो घंटे और समझ लो पचास मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा लंबा है लेकिन सुपरस्टार की फिल्म है तो इस वजह से सभी चीज़ें आसानी से इग्नोर हो जाती है इस फिल्म को सिर्फ तेलुगू लैंग्वेज में बनाया गया था जहाँ पे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को और काफी बेहतरीन रिस्पांस भी मिला हुआ था इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूं कि महेश बाबू ने प्रॉपर अनाउंस किया हुआ था कि एज ए लीड हीरो वो एक फिल्म में काम करने वाले जहाँ पे अनिल रवि उसको डायरेक्ट करने वाले और उस फिल्म का नाम है सरी लेरू निकेहरू फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी सेट की गई थी 31 मई 2019 को जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिली थी तो बताया गया था कि रश्मि रश्मिका मंदना को महेश बाबू के अपोजिट कास्ट किया गया विजय शांति इस फिल्म के साथ कम करने वाली फिल्मों में जो तेरह साल के बाद फिर से आ रही है तमन्ना का एक आपको पार्टी सॉन्ग सुनने को मिलेगा वहीं पे संगीता और बनरेला गणेश भी काफ़ी सालों के बाद इस फिल्म से कम करने वाले तो ये थोड़ी बहुत कास्टिंग के ऊपर डिटेलिंग मिली हुई थी उसके बाद में बताया गया था फिल्मिंग के ऊपर कि फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में सेट किया गया था जुलाई पाँच से जुलाई बीस दो में इसके अलावा सेकंड शेड्यूल है वो सेट किया गया था कोंडा रेड्डी बुरुजू जो और रामोजी फिल्म सिटी है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था वो सेट और उसको बनाने में करीबन चालीस मिलियन डॉलर लगे हुए थे सॉरी चालीस मिलियन रुपीस लगे हुए थे इंडियन करेंसी और 8 नवंबर 2019 तक फिल्म का एक केरला का शेड्यूल था वो भी शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था इस तरह से फिल्म के अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में फिल्म को दिसंबर 2019 तक पूरी तरह से पेचवर्क सॉन्ग के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म का म्यूजिक पूरी प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम कम्प्लीट करवाया गया डबिंग का, का काम कम्प्लीट करवाया गया और उसके बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के गानों को कम्पोज़ किया हुआ देवीश्री प्रसाद ने और सॉन्ग्स भी उन्होंने ही कम्पोज की और साथ ही में बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा 2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 5 जनवरी 2020 तक सभी गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था यूट्यूब पे और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इन गानों के राइट्स खरीदे हुए लहरी म्यूजिक और टी सीरीज़ ने जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे सभी गानों की टोटल लेंथ है इक्कीस मिनट छः सेकंड गानों को तेलुगु तमिल और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी बनाया गया है जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज का मेन ट्रैक लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला गाना था माइंड ब्लॉग जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्रीमणि ने और देवश्री प्रसाद ने सिंगर थे ब्लास और रेनिना रेड्डी दूसरा गाना था सूर्दी वो चंद्रद्रव्य उसके लिरिक्स रामजोग शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे बी प्राक तीसरा गाना था ही इज सो क्यूट उसके लिरिक्स लिखे हुए थे श्री मनी ने सिंगर थे मधु प्रिया चौथा गाना था सलीरे निकोरो एंथम जिसके लिरिक्स देवी श्री प्रसाद ने लिखे हुए थे सिंगर थे शंकर महादेवन पांचवा गाना था डांग डांग जिसमें तमन्ना पीरियंस करती है वो वाला पार्टी सॉन्ग है उसके लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे नका अजीस और लविता लोबो और इन सभी गानों को तेलुगू और कन्नाडा वर्जन में भी डब किया गया था जहाँ पे तमिल सॉरी तमिल और कन्नडा वर्जन में भी गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में फिल्म का नाम था इवन नोको सरियाना आल इलाई वहीं पे कन्नड़ा वर्जन में मेजर अजय कृष्णा के नाम से फिल्म को डब करवाया गया था इस फिल्म के डब्ड वर्जन को तमिल वर्जन को 2020 में अवेलेबल किया गया था रिलीज किया गया था करीबन 200 थिएटर में तमिलनाडु में तमिल वर्जन को रिलीज किया गया था जिसका नाम था इवन नुक्कू सरियाना आली लाई और मेजर अजय कृष्णा के नाम से कनाडा वर्जन को टेलीविज़न पे डायरेक्ट प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे कनाडा डब वर्जन के राइट्स उड़िया टीवी ने खरीदे हुए थे कन्नाडा के वर्जन के लिए अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वो राइट्स क्योंकि तेलुगु फिल्म में कनाडा वर्जन में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती है कर्नाटक में तेलुगु फिल्मों को काफ़ी सराहाया जाता है वहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री की फिल्म में जितनी भी सराहना होती है उसमें सबसे ज़्यादा कन्नाडा फिल्मों के सॉरी तेलुगु फिल्मों को कर्नाटक में सराहना ज़्यादा मिलती है अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो महेश बाबू जो लीड रोल है मेजर अजय कृष्णा का वो प्ले कर रहे पेरा एस इसके अलावा रश्मि का मंदना अजय का लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करे जिनका नाम है समुक्ति विजय शांति को भारती का रोल दिया गया था जो मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर राव रमेश ने राघव का रोल प्ले किया हुआ है जो समरुक्ति के फादर है मुरली शर्मा आपको अजय के ब्रिगेडियर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे पोसानी कृष्णा मुरली को सीआई नारायण का रोल दिया गया था सत्यदेव कांचराना ने एक किया हुआ है जो एक पेरा एस थे अजय नाम का रोल है वो उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भारती के भारतीय ब्रह्मा जी ने लोयर मृदुंगा राव का रोल प्ले किया हुआ है तनिकला भरानी को मिनिस्टर का रोल दिया गया था संगीता ने सोम जय का जयप्रकाश रेड्डी ने नागेंद्र के पिता का रोल प्ले किया हुआ है अजय ने नागेंद्र के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे रघु बाबू को टीचर का रोल दिया गया था टीचर तिरुपति राव वाला जो नागेंद्र के साइड थे वहीं पे सुब्बा राजू को क्राइम ब्रांच कोटी का रोल दिया गया किशोर का रोल प्ले किया हुआ था जो क्राइम ब्रांच कोटिक के असिस्टेंट थे राजीव कनकला को रामकृष्ण का रोल दिया गया था जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे बंडला गणेश को ब्लेड, ब्लेड गणेश का रोल प्ले करने को दिया गया था सूर्या ने सूर्या राव का रोल प्ले किया हुआ सत्या ने ट्रेन पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर हरि तेजा को स्वेचा का रोल दिया गया था अभिनया रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन के रोल को नाम नहीं दिया गया था इसके अलावा तमन्ना का केमियो केम्योअपीरियंस था डांग डांग सॉन्ग में अनिल रविपुड़ी का क्रेडिट में केमियो कैम्यूअपीरियंस था देवी श्री प्रसाद और शेखर का माइंड ब्लॉक गाने में केमियो केम्यूअपीरियंस था तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर अजय यानी कि वो रोल प्ले कर रहे हैं महेश बाबू जो एक पेरा एस एफ है जो एक मिलिट्री ऑफिसर है जो इंडियन आर्मी के लिए सिंसियरली काम करते हुए आ रहे जो एक डेरिंग मिलिट्री ऑफिसर है दूसरी तरफ भारती जिसका रोल प्ले कर रहे विजय शांति जो एक सिंसियर प्रोफेसर है जो करनुल सिटी में एक प्रोफेसर का काम करती हुए आ रहे काफ़ी लंबे समय से वो एक प्रॉब्लम में फंसती है और वो प्रॉब्लम है प्रकाश राज वो एक लोकल मिनिस्टर है और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते प्रकाश राज भारतीय और उसकी फैमिली को मारना चाहता है अब उसके लिए वो सभी चीज़ों करने के लिए वो एक प्लान क्रिएट करता है जब ये सभी चीज़ें जा रही होती है जब भारतीय उसकी फैमिली को उसके बच्चों को प्रकाश राज के गुंडे मारने आ रहे थे ठीक उसी समय अजय किसी तरह से कर्नला जाता है और उनको बचा लेता है अब ये भारती कौन है अजय का उससे कनेक्शन क्या है अजय क्यों कर्नू लाया हुआ था ये सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है तो यही सब सवालों में फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है अनडाउटेडली सरिलेरू निकेवरू महेश बाबू का वन वे शो है जिस तरह से वो स्टार हीरो के तौर पे हमारे सामने एक मैग्नमस तरीके से अपने रोल को डिलीवर करते उसमें जो डिफरेंट वेरिएशन लाते वो सभी चीज़ें हमें पसंद आती है महेश बाबू का मास क्लास एक्शन अवतार वो सभी चीज़ों को सुपर मैनर में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है उसको जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसने बेहतरीन वे में महेश बाबू ने डिलीवर किया हुआ है जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें फैंस के साथ साथ न्यूट्रल ऑडियंस को भी पसंद आएगी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में महेश बाबू वैसे डांस तो नहीं करते उतना कुछ लेकिन माइंड ब्लॉक गाने में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो आपको ज़रूर इम्प्रेसिव लगेगा जो सभी चीज़ें ऑडियंस के लिए एक ट्रीट मानी जाएगी इसके अलावा फिल्म की फिल्म में जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रश्मिका मंदना के साथ वो भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे रश्मिका मंदना के साथ जितने भी ट्रेन एपिसोड क्रिएट किए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे और उसके ऊपर रश्मिका मंदना ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है वो अपने रोल में काफ़ी फनी नज़र आ रही थी उनके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट करने में कामयाब रही है रश्मिका मंदना ने जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ काम किया हुआ है अपनी डायलॉग डिलीवरी में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में अपने किरदार के साथ जो वन लाइनर्स थे जो कॉमेडी पंचीज थे उसको अच्छी तरह से उन्होंने डिलीवर किया हुआ था जिस वजह से रश्मिका मंदना का जो जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा इसके अलावा फिल्म में संगीता देखने को मिलती जिनको डिसेंट रोल दिया गया है काफी लंबे समय के बाद वो तेलुगु फिल्मों में नजर आ रही थी जिसमें उनका काम अच्छा था राजेंद्र प्रसाद का एक नीट सपोर्टिंग रोल था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे राव रमेश मुरली शर्मा अजय सभी लोग की रोल प्ले कर रहे थे जिसमें वो सभी लोग इम्प्रेसिव नज़र आ रहे थे अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे थे एक नेचुरल परफॉर्मेंस दे रहे थे so कॉल्ड जो ट्रेन एपिसोड देखने को मिलते वो पूरी तरह से हाइप क्रिएट की गई थी उसको फुलफिल करने में कामयाब रहते हैं वहाँ पर काफी बढ़िया एंटरटेनमेंट क्रिएट होता है बंडला गणेश ने जिस तरह से कुछ कॉमेडी मूवमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था वो आपको जरूर पसंद आएगा विजय शांति ने It, किया हुआ है उनका रोल फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट तरीके से पेश किया हुआ है उसकी लिखावट काफी बढ़िया थी उस रोल की फिल्म में काफी अहमियत थी जिसको उन्होंने अच्छी तरह से निभाया हुआ है फिल्म में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में सीरियसनेस और बढ़िया तरीके से एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में कामयाब रहता है उनके डायलॉग डिलीवरी में वो पावरफुल बात नज़र आ रही थी जिस तरह से उन्होंने महेश भाव के साथ जो केमिस्ट्री शेयर की हुई है वो फिल्म को और चार चांद लगा देती है प्रकाश राज एज एक्सपेक्टेड जिस तरह से विलन का रोल प्ले कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उसमें नजर आ रहे थे और अपने सेटायर कॉमेडी के साथ ये जो फन क्रिएट करने में वो कामयाब रहे हैं वो वापस जरूर पसंद आएगा फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया गया है जहाँ पे पेट्रोटिज्म वाले भी फीलिंग देखने को मिलती है फिल्म के स्टार्टिंग में कुछ फाइट सिक्वेंस देखने को मिलते हैं इसके बाद में ट्रेनिंग एपिसोड आता है वहाँ पे कुछ कॉमेडी और फैमिली मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल वो एक अच्छा मिक्सअप अच्छा क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा इंटरवल बैंग आपको देखने को मिलता है फिल्म का जो बेसिक एसेट है वो फिल्म में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है जिस तरह से रेगुलर इंटरवल पे लोगों को एंगेज करते हैं कॉमेडी के साथ वो है वो फिल्म को आसानी से एंटरटेनिंग बनाता है इसके अलावा फिल्म में डीएसपी का जो म्यूजिक है वो फिल्म का अनदर एक के एसेट पॉइंट है जहाँ पे फिल्म का जो गाना है फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था जिस तरह से गानों को सेट किया होता वो बढ़िया था सीन के साथ जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर बन बढ़ता है वो अच्छी तरह से एक अच्छा मास करता है, जरूर वीक थी, उसके और बेहतर वे में काम किया जा सकता था उसमें कुछ नोवेल्टी नजर नहीं आ रही थी जहाँ पे जितने टी स्ट्रॉस देखने को मिलते हैं वो उतने बेहतर वे में वर्क नहीं करते क्योंकि वो सभी चीज़ें आसानी से प्रिडिक्ट हो जाती है फिल्म की जिस तरह से डायरेक्शन किया हुआ था से रूटीन नजर आ रहा था फिल्म का सेकंड आप पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रूटीन और जिस तरह हीरो विलन के सीन दिखाए हुए थे वो सभी चीज़ें पहले हमने कई फिल्मों में देखी हो उसी टाइप की नज़र आ रही थी उसमें कुछ नयापन नज़र नहीं आ रहा था उसको दिखाने का तरीका उतना बेहतर नहीं था उसका एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था फिल्म का क्लाइमेक्स थोड़ा डल नज़र आएगा और स्लाइटली ओवर दी टॉप भी नज़र आएगा वहाँ पर मिक्स क्री रिएक्शन देखने को मिलेंगे एंडिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कुछ सीली नज़र आ रही थी तो कुछ ऑडियंस को वो पसंद भी आएगी इसके अलावा फिल्म को करीबन पंद्रह मिनट जितना सेकंड हाफ में बेहतर वे में दिखाया हुआ है जहां पे फिल्म का टेम्पो अच्छी तरह से ड्रॉप करते रूटीन फाइट सीक्वेंस और सीन्स के थ्रू जिसकी वजह से डायरेक्टर रवि पुरी, पुरी अपने आइडिया जो लाए थे हीरोइज्म वाला जो कंफ्रंटेशन सीन वाले प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में वो पूरी तरह से उतना अच्छा खासा वर्क नहीं करता है इस फिल्म में जो म्यूजिक है उसका काम काफी शानदार है काफी सॉलिड जो फिल्म को एक बड़ा एडवांटेज देता है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी टॉप नोट थी जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी फिल्म का कलर टोन बढ़िया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी जहाँ पे कैमरा और कितना बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है जो अलग अलग लोकेशन थे जो सीन थे जिस तरह से कर्नल का बैकड्रॉप दिखाया हुआ था कोंडा रेड्डी बुर्जू का लुक्स दिखाया हुआ था जो सभी चीज़ें को काफी अच्छी तरह से मेकअप मेकरस ने क्रिएट करके हमारे सामने पेश किया हुआ है जहाँ पे कैमरा ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है इसके अलावा जो दो सॉन्ग को कम्पोज किया हुआ था उसके ऊपर जो कोरियोग्राफी देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है जहाँ पे स्पेशली माइंड ब्लॉक वाले गाने में काफ़ी बढ़िया कोरियोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं जहाँ पे कुछ फंड को जरूर हंसने कामयाब रहेंगे कुछ मास पंचीज देखने को मिलते जो जरूर अच्छा खासा इंपेक्ट क्रिएट करते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में बढ़िया था वहीं पर सेकेंड हाफ़ में उतना कुछ खास नहीं था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से फन क्रिएट किया हुआ था जिस तरह से इंटरवल तक फिल्म की कहानी को सेट किया जाता है वो बढ़िया नजर आ रहा था लेकिन सेकेंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को रेजी मैनर में दिखाया हुआ था जिसको थोड़ा ओवर टाइट किया जा सकता था इस फिल्म में एडिटिंग के थ्रू काम किया जा सकता था महेश बाबू को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था अनिल रवि ने फिल्म के साथ अच्छा खासा काम किया हुआ है वहीं पे उन्होंने महेश बाबू के किरदार को जिस तरह से मजबूती के साथ शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हीरोइज्म वाला किरदार दिखाया हुआ है ही में इमोशनल कंटेंट भी डाला हुआ है इस फिल्म में कॉमेडी भी उन्होंने डाली हुई है जो इंग्रेगुलर इंटरवल पर हमें हंसाती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के बेसिक कैसेट है लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने हर बार जल्दबाजी में क्लाइमैक्स को हमारे सामने कन्विंस इतना कुछ कन्विंस मैनर में नहीं दिखाया हुआ है जिस वजह से वो सभी चीज़ें थोड़ी कम पसंद आ सकती है तो ओवरऑल सलील नेहरू निकेवरू एक ऐसा मिक्स रिस्पॉन्स वाली फिल्म है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बो देखने को मिलता है ये मल्टीजोन और फिल्म है जहाँ पे एक्सन रोमेंस ड्रामा पेट्रोटिज्म सभी टाइप की फीलिंग नज़र आएगी और ये एक परफेक्ट एंटरटेनर है जिसमें बढ़िया तरीके से रेगुलर इंटरवल पे कॉमेडी आपको हंसाने में कामयाब रहती है कुछ अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं मास सिक्वेंस देखने को मिलते हैं और ओवरऑल ये फिल्म महेश भाव के लिए देखी जा सकती है उनके मास फाइट उनके गानों में जो डांस है जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए जो एक्शन है वो सभी चीज़ें फिल्म को और बढ़िया बनाती है सिर्फ क्लाइमेक्स थोड़ा फिल्म का वीक है सेकंड अब थोड़ा स्लाइटली खींचा हुआ है अदरवाइज़ ये फिल्म फैंस और मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है जिस तरह से महेश बाबू को प्रेजेंट किया हुआ है वो बढ़िया है तो ओवरऑल इस फिल्म को ज़रूर देखा जा सकता है जहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा खासी तरीके से क्रिएट किया हुआ है फैंस के लिए तो इसे मिस नहीं करना चाहिए रिलीज़ के ऊपर बात करें तो ग्यार ग्यारह जनवरी दो को इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आई पे करीबन आठ के आसपास वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल थी दस में से पिछहत्तर करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ था जिसकी वजह से जहां पर अल्लाह लो और ये फिल्म दोनों फिल्म एक साथ में आई थी लेकिन दोनों फिल्म अच्छी खासी तरीके से वर्क कर गई और दोनों फिल्मों ने ढाई करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया इस फिल्म ने भी पिछहत्तर करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने करीबन साठ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था वर्ल्ड वाइड तो तेलुगु फिल्मों के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज में आने वाली फिल्म के हिसाब से इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था फिल्म ने कहीं रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था फिल्म को कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे जहाँ पे कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेस भी किया गया था अब हम बात कर लेते इस फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में कहाँ पे देख सकते हो तो इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में आप देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर जिन्होंने बड़ी प्राइस में इस फिल्म के राइट्स ख़रीदे हुए उन्होंने एक मार्च 2020 के बाद इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिथ सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सन नेटवर्क ने जिन्होंने फ़िल्म को जेमिनी टी वी प्रीमियर करवाया हुआ था सबसे पहली बार और अब आपको जेमिनी टी के ऊपर ये फिल्म देखने को मिल जाएगी सर के औरों के साथ तेलगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलगु वर्जन में ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी फिल्म का तमिल डब्ड वर्जन यानि इवन नोक्को सरियाना आल इलाई जिसके राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार ने जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विथ सबटाइटल सब टाइटल तमिल वर्जन के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पे आप डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इवन नुकू सरियाना आल इले नाम के साथ सर के और फिल्म तमिल डब्ड वर्जन में देख सकते हो वहीं पे कनाडा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो मेजर अजय कृष्णा के नाम से इस फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे उड़िया टी के ऊपर फिल्म को फिल्म के डब्ड वर्जन को प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप एंजॉय कर पाओगे अब बात करें हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर तो हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स रिलीज से पहले ही गोल वालों ने काफ़ी बड़ी रकम में खरीदे हुए थे इस बाद में इस फिल्म की डबिंग उन्होंने सरी नाम के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से शरीर लेरूरू को हटा के जहाँ पे शरीर लेहरू सिर्फ नाम रख के फिल्म को डब कंप्लीट करवाया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला फिल्म के गानों को डब नहीं करवाया हुआ है तो गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स दोनों खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे गोलमायंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर सरी सरी नाम के साथ हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे यूट्यूब पे गोलमाइंस के YouTube चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में विथ इंग्लिश सब इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको सरी लेरू निकलू फिल्म का जो हिंदी डब्लो वर्जन है उसके राइट्स कॉल गोलमाइंस के पास है टेलीविज़न और यूट्यूब के दोनों के तो जहाँ पे टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म सरी लेरू के नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर यूट्यूब पर ये फिल्म आपको गोलमाइंस के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी डब्लू वर्जन में बिल्कुल फ्री में सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे सरी लेरु जिसको हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है सरी लेरु जहाँ से निकेवरू हटा दिया है सरे लेरू निकेवरू का फुल फॉर्म है नोबडी कैन यू जहाँ पे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसके अलावा इस फिल्म को 2020 में तेलुगु लैंग्वेज में एक्शन कॉमेडी जोनर के साथ रिलीज किया गया था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है राम बर्राम सुंकरना ने जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन पचहत्तर करोड़ था और उनके साथ इस फिल्म को जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए के इंटरटेनमेंट ने भी प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे ए के एंटरटेनमेंट ने फिल्म को डिस्ट्री करवाया हुआ था तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इसके अलावा इस फिल्म का स्टोरी आइडिया है वो अनिल रवि का है उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ये सभी चीज़ें अनिल रवि पुड़ी ने ही की हुई है इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो महेश बाबू रश्मिका मंदना आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे विजय शांति प्रकाश राज राजेंद्र प्रसाद राव रमेश मुरली शर्मा पोसानी कृष्णा मुरली सत्यदेव कांचराना और ब्रह्मा जी आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे तनिकेला भरानी संगीता जयप्रकाश अजय रघु बाबू सुब्बा राजू विनेला किशोर राजीव कनकला बंदना गणेश सूर्या आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सत्या हरितेजा अभिनय रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन वो सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा तमन्ना का केम्योपीरियंस है डांग डांग सॉन्ग में अनिल रवि पुड़ी का भी क्रेडिट में केम्यो अपीरियंस है वहीं पे देवी श्री प्रसाद का भी एक केम्योपीरियंस है माइंड ब्लॉक वाला जो सॉन्ग है उसके ऊपर और शेखर का भी एक केम्योपीरियंस है जिन्होंने माइंड ब्लॉक सॉन्ग में अपीरेंस दिया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए और ये सभी किरदारों की बदौलत फिल्म की कहानी को उन्होंने बढ़िया सा एक अच्छा काम करके दिया हुआ है इसके अलावा हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्म का कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी की हुई आर राथन वेलू ने जहाँ पे इस फिल्म का जो कलर टोन है कलर करेक्शन है इसके अलावा कैमरा वर्क है वो काफ़ी शानदार टॉप नोट देखने को मिलेगा एडिटिंग की हुए तमिल राजू ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक मिनट के आसपास ये फिल्म है दो घंटे और समझ लो पचास मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा लंबा है लेकिन सुपरस्टार की फिल्म है तो इस वजह से सभी चीज़ें आसानी से इग्नोर हो जाती है इस फिल्म को सिर्फ तेलुगू लैंग्वेज में बनाया गया था जहाँ पे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था इस फिल्म और काफी बेहतरीन रिस्पांस भी मिला हुआ था इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूं कि महेश बाबू ने प्रॉपर अनाउंस किया होता कि एज ए लीड हीरो वो एक फिल्म में काम करने वाले जहां पे अनिल रवि उसको डायरेक्ट करने वाले और उस फिल्म का नाम है सरी लेरू निकेरू फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी सेट की गई थी 31 मई 2019 को जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिली थी तो बताया गया था कि रश्मि रश्मिका मंदना को महेश बाबू के अपोजिट कास्ट किया गया विजय शांति इस फिल्म के साथ कमबेक करने वाली है फिल्मों में जो तेरह साल के बाद फिर से आ रही है तमन्ना का एक आपको पार्टी सॉन्ग सुनने को मिलेगा वहीं पर संगीता और बंडला गणेश भी काफ़ी सालों के बाद इस फिल्म से कमबेक करने वाले तो ये थोड़ी बहुत कास्टिंग के ऊपर डिटेलिंग मिली हुई थी उसके बाद में बताया गया था फिल्मिंग के ऊपर कि फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में सेट किया गया था जुलाई पाँच से जुलाई बीस 2019 में इसके अलावा सेकंड शेड्यूल था कोंडा रेड्डी बुरुजू जो और रामोजी फिल्म सिटी वहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया था वो सेट और उसके बनाने में करीबन चालीस मिलियन डॉलर लगे हुए थे सॉरी चालीस मिलियन रुपीस लगे हुए थे इंडियन करेंसी और 8 नवंबर 2019 तक फिल्म का एक केरला का शेड्यूल था वो भी शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था इस तरह से फिल्म के अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में फिल्म को दिसंबर 2019 तक पूरी तरह से पेचवर्क सॉन्ग के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म का म्यूज़िक प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम कम्प्लीट करवाया गया डबिंग का काम कम्प्लीट करवाया गया और उसके बाद में फिल्म को सेंसर करवाया गया था जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के गानों को कम्पोज किया हुआ देवी श्री प्रसाद ने और सॉन्ग्स भी उन्होंने ही कम्पो उसके और साथ ही में बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा 2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 5 जनवरी 2020 तक सभी गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था यूट्यूब पे और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इन गानों के राइट्स खरीदे हुए लहरी म्यूजिक और टी सीरीज ने जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे सभी गानों की टोटल लेंथ है इक्कीस मिनट छः सेकंड गानों को तेलुगु तमिल और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी बनाया गया है जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज का मेन ट्रैक लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला गाना था माइंड ब्लॉग जिसके लिरिक्स लिखे हुए श्री मनी ने और देवश्री प्रसाद ने सिंगर थे ब्लाज और रेनिना रेड्डी दूसरा गाना था सूर्य वो चंद्रद्रिव्य उसके लिरिक्स रामजोग शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे बी प्राक तीसरा गाना था ही इज सो क्यूट उसके लिरिक्स लिखे हुए थे श्री मनी ने सिंगर थे मधु प्रिया चौथा गाना था सली रेरो, एंथम, जिसके लिरिक्स देवी श्री प्रसाद ने लिखे हुए थे सिंगर थे शंकर महादेवन पांचवा गाना था डांग डांग जिसमें तमन्ना अपीरियंस करती है वो वाला पार्टी सॉन्ग है उसके लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे नका अजीश और लविता लोबो और इन सभी गानों को तेलुगू और कन्नाडा वर्जन में भी डब किया गया था जहाँ पे तमिल सॉरी तमिल और कन्नडा वर्जन में भी गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में फिल्म का नाम था इवन नो को सरियाना आल इलाई वहीं पे कन्नडा वर्जन में मेजर अजय कृष्णा के नाम से फिल्म को डब करवाया गया था इस फिल्म के डब्ड वर्जन को तमिल वर्जन को 2020 में अवेलेबल किया गया था रिलीज़ किया गया था करीबन 200 थिएटर में तमिलनाडु में तमिल वर्जन को रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था इवन नुक्कू सरियाना आली और मेजर अजय कृष्णा के नाम से कनाडा वर्जन को टेलीविज़न पर डायरेक्ट प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पर कनाडा डब वर्जन के राइट्स उड़िया टीवी ने खरीदे हुए थे कन्नाडा के वर्जन के लिए अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए थे वो राइट्स क्योंकि तेलुगु फिल्म में कन्नाडा वर्जन में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती है कर्नाटक में तेलुगु फिल्मों को काफ़ी सराहाया जाता है वहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री की फिल्म में जितनी भी सराहना होती है उसमें सबसे ज़्यादा कन्नाडा फिल्मों के सॉरी तेलुगु फिल्मों को कर्नाटक में सराहना ज़्यादा मिलती है अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो महेश बाबू जो लीड रोल है मेजर अजय कृष्णा का वो प्ले कर रहे पेरा एस इसके अलावा रश्मि का मंदना अजय का लव

किया हुआ जो एक पेरा थे अजय नाम का रोल है वो उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भारती के भारतीय ब्रह्मा जी ने लोयर मृदुंगा राव का रोल प्ले किया हुआ है तनिकला भरानी को मिनिस्टर का रोल दिया गया था संगीता ने सोम जय का रोल प्ले किया हुआ है जयप्रकाश रेड्डी ने नागेंद्र के पिता का रोल प्ले किया हुआ है अजय ने नागेंद्र के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे रघु बाबू को टीचर का रोल दिया गया था टीचर तिरुपति राव वाला जो नागेंद्र के साइड थे वहीं पे सुब्बा राजू को क्राइम ब्रांच कोटी का रोल दिया गया वेनेला किशोर ने किशोर का रोल प्ले किया हुआ था जो क्राइम ब्रांच को टिक के असिस्टेंट थे राजीव कनकला को रामकृष्ण का रोल दिया गया था जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे बंडला गणेश को ब्लेड, ब्लेड गणेश का रोल प्ले करने को दिया गया था सूर्या ने सूर्या राव का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने ट्रेन पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हरी तेजा को स्वेचा का रोल दिया गया था अभिनया रंजिता गौतम राजू दुवासी मोहन के रोल को नाम नहीं दिया गया था इसके अलावा तमन्ना का केम्यूअपीरियंस था डांग डांग सॉन्ग में अनिल रविपुड़ी का क्रेडिट में केम्यूअपीरियंस था देवी श्री प्रसाद और शेखर का माइंड ब्लॉक गाने में केम्यूअपीरियंस था तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर अजय यानी कि वो रोल प्ले कर रहे हैं महेश बाबू जो एक पेरा एस एफ है जो एक मिलिट्री ऑफिसर है जो इंडियन आर्मी के लिए सिंसियरली काम करते हुए आ रहे जो एक डेरिंग मिलिट्री ऑफिसर है दूसरी तरफ भारती जिसका रोल प्ले कर रहे विजय शांति जो एक सिंसियर प्रोफेसर है जो कर्नूल सिटी में एक प्रोफेसर का काम करते हुए आ रहे काफ़ी लंबे समय से वो एक प्रॉब्लम है फंसती है और वो प्रॉब्लम है प्रकाश राज वो एक लोकल मिनिस्टर है और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते प्रकाश राज भारतीय और उसकी फैमिली को मारना चाहता है अब उसके लिए वो सभी चीज़ों करने के लिए वो एक प्लान क्रिएट करता है जब ये सभी चीज़ें जा रही होती है जब भारतीय उसकी फैमिली को उसके बच्चों को प्रकाश राज के गुंडे मारने आ रहे थे ठीक उसी समय अजय किसी तरह से कर्नला जाता है और उनको बचा लेता है अब ये भारती कौन है अजय का उससे कनेक्शन क्या है अजय क्यों कर्नू लाया हुआ था ये सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है तो यही सब सवालों में फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है अनडाउटेडली सरिलेरू निकेरू महेश बाबू का वन वे शो है जिस तरह से वो स्टार हीरो के तौर पे हमारे सामने एक मैग्नमस तरीके से अपने रोल को डिलीवर करते उसमें जो डिफरेंट वेरिएशन लाते वो सभी चीज़ें हमें पसंद आती है महेश बाबू का मास क्लास एक्शन अवतार वो सभी चीज़ों को सुपर मैनर में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है उसको जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसने बेहतरीन वे में महेश बाबू ने डिलीवर किया हुआ है जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें फैंस के साथ साथ न्यूट्रल ऑडियंस को भी पसंद आएगी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीज़ें बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में महेश बाबू वैसे डांस तो नहीं करते उतना कुछ लेकिन माइंड ब्लॉ गाने में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो आपको ज़रूर इम्प्रेसिव लगेगा जो सभी चीज़ें ऑडियंस के लिए एक ट्रीट मानी जाएगी इसके अलावा फिल्म की फिल्म में जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रश्मिका मंदना के साथ वो भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे रश्मिका मंदना के साथ जितने भी ट्रेन एपिसोड क्रिएट किए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे और उसके ऊपर रश्मिका मंदना ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है वो अपने रोल में काफ़ी फनी नज़र आ रही थी उनके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो काफ़ी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट करने में कामयाब रही है रश्मिका मंदना ने जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ काम किया हुआ है अपनी डायलॉग डिलीवरी में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ बढ़िया नजर आ रही थी साथ ही में अपने किरदार के साथ जो वन लाइनर्स थे जो कॉमेडी पंचीज थे उसको अच्छी तरह से उन्होंने डिलीवर किया हुआ था जिस वजह से रश्मिका मंदना का जो जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा इसके अलावा फिल्म में संगीता देखने को मिलती है जिनको डिसेंट रोल दिया गया है काफी लंबे समय के बाद वो तेलुगु फिल्मों में नजर आ रही थी जिसमें उनका काम अच्छा था राजेंद्र प्रसाद का एक नीट सपोर्टिंग रोल था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे राव रमेश मुरली शर्मा अजय सभी लोग की रोल प्ले कर रहे थे जिसमें वो सभी लोग इंप्रेसिव नजर आ रहे थे अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे थे एक नेचुरल परफॉर्मेंस दे रहे थे शो so कॉल्ड जो ट्रेन एपिसोड्स देखने को मिलते वो पूरी तरह से हाइप क्रिएट की गई थी उसको फुलफिल करने में कामयाब रहते वहाँ पर काफ़ी बढ़िया एंटरटेनमेंट क्रिएट होता है बंडला गणेश ने जिस तरह से कुछ कॉमेडी मोमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था वो आपको ज़रूर पसंद आएगा विद्या शांति ने शो किया हुआ है उनका रोल फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट तरीके से पेश किया हुआ है उसकी लिखावट काफी बढ़िया थी उस रोल की फिल्म में काफी अहमियत थी जिसको उन्होंने अच्छी तरह से निभाया हुआ है फिल्म में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में सीरियसनेस और बढ़िया तरीके से एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में कामयाब रहता है उनके डायलॉग डिलीवरी में वो पावरफुल बात नजर आ रही थी जिस तरह से उन्होंने महेश भाव के साथ जो केमिस्ट्री शेयर की हुई है वो फिल्म को और चार चांद लगा देती है प्रकाश राज एज एक्सपेक्टेड जिस तरह से विलन का रोल प्ले कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उसमें नज़र आ रहे थे और अपनी सेटायर कॉमेडी के साथ ये जो फन क्रिएट करने में वो कामयाब रहे थे वो आपस जरूर पसंद आएगा फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया गया है जहाँ पे पेट्रोटिज्म वाली भी फीलिंग देखने को मिलती है फिल्म के स्टार्टिंग में कुछ फाइट सिक्वेंस देखने को मिलते हैं इसके बाद में ट्रेनिंग एपिसोड आता है वहाँ पे कुछ कॉमेडी और फैमिली मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल वो एक अच्छा मिक्सअप क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा इंटरवल बैंग आपको देखने को मिलता है फिल्म का जो बेसिक एसेट है वो फिल्म में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है जिस तरह से रेगुलर इंटरवल पे लोगों को एंगेज करते हैं कॉमेडी के साथ वो है वो फिल्म को आसानी से एंटरटेनिंग बनाता है इसके अलावा फिल्म में डीएसपी का जो म्यूजिक है वो फिल्म का अनदर एक के एसेट पॉइंट है जहाँ पे फिल्म का जो गाना है फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था जिस तरह से गानों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था सीन के साथ जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर बन बढ़ता है वो अच्छी तरह से एक अच्छा मास

पहले हाफ के मुकाबले काफी ज्यादा रूटीन और जिस तरह हीरो विलन के सीन दिखाए हुए थे वो सभी चीजें पहले हमने कई फिल्मों में देखी हो उसी टाइप की नज़र आ रही थी उसमें कुछ नयापन नज़र नहीं आ रहा था उसको दिखाने का तरीका उतना बेहतर नहीं था उसका एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था फिल्म का क्लाइमेक्स थोड़ा डल नज़र आएगा और स्लाइटली ओवर द टॉप भी नज़र आएगा वहाँ पर मिक्स क्री रिएक्शन देखने को मिलेंगे एंडिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कुछ सीली नज़र आ रही थी तो कुछ ऑडियंस को वो पसंद भी आएगी इसके अलावा फिल्म को करीबन पंद्रह मिनट जितना सेकेंड हाफ में बेहतर वे में दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म का टेम्पो अच्छी तरह से ड्रॉप करते वो रूटीन फाइट सीक्वेंस और सीन्स के थ्रू जिसकी वजह से डायरेक्टर रवि रविपुरी अपने आइडिया जो लाए थे हीरोइज्म वाला जो कन्फ्रंटेशन सीन वाले प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में वो पूरी तरह से उतना अच्छा खासा वर्क नहीं करता है इस फिल्म में जो म्यूजिक है उसका काम काफ़ी शानदार है काफ़ी सॉलिड जो फिल्म को एक बड़ा एडवांटेज देता है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नोट थी जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी फिल्म का कलर टोन बढ़िया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी जहाँ पे कैमरा और कितना बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है जो अलग अलग लोकेशन थे जो सीन थे जिस तरह से कर्नल का बैकड्रॉप दिखाया हुआ था कोंडा रेड्डी बुर्जू का लुक्स दिखाया हुआ था जो सभी चीज़ें को काफ़ी अच्छी तरह से मेकअप मेकरस ने क्रिएट करके हमारे सामने पेश किया हुआ है जहाँ पे कैमरा ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है इसके अलावा जो दो सॉन्ग को कम्पोज किया हुआ था उसके ऊपर जो कोरियोग्राफी देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है जहाँ पे स्पेशली माइंड ब्लॉक वाले गाने में काफ़ी बढ़िया कोरियोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं जहाँ पे कुछ फंड आपको जरूर हंसाने कामयाब रहेंगे कुछ मास पंचीज देखने को मिलते हैं जो ज़रूर अच्छा खासा इंपेक्ट क्रिएट करते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में बढ़िया था वहीं पर सेकंड हाफ में उतना कुछ खास नहीं था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से फन क्रिएट किया हुआ था जिस तरह से इंटरवल तक फिल्म की कहानी को सेट किया जाता है वो बढ़िया नजर आ रहा था लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को रेजी मैनर में दिखाया हुआ था जिस को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था <coughs> इस फिल्म में एडिटिंग के थ्रू के काम किया जा सकता था महेश बाबू को अच्छी तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था अनिल रविपुड़ी ने फिल्म के साथ अच्छा खासा काम किया हुआ है वहीं पे उन्होंने महेश बाबू के किरदार को जिस तरह से मजबूती के साथ शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हीरोइज्म वाला किरदार दिखाया हुआ है ही में इमोशनल कंटेंट भी डाला हुआ है इस फिल्म में कॉमेडी भी उन्होंने डाली हुई है जो इन रेगुलर इंटरवल पर हमें हसाती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के बेसिक एसेट है लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने हर बार जल्दबाजी में क्लाइमैक्स को हमारे सामने कन्विंस इतना कुछ कन्विंस मैनर में नहीं दिखाया हुआ जिस वजह से वो सभी चीज थोड़ी कम पसंद आ सकती है तो ओवरऑल निके और एक ऐसा मिक्स वाली फिल्म है है पे काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बो देखने को मिलता ये मल्टी जोन और फिल्म है जहां पे रोमेंस ड्रामा पेट्रोटिज्म सभी टाइप की फीलिंग नजर आएगी और ये एक परफेक्ट इंटरटेनर है जिसमें बढ़िया तरीके से रेगुलर इंटरवल पर कॉमेडी आपको हंसाने में कामयाब रहती है कुछ अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं मास सिकवास देखने को मिलते हैं और ओवरऑल ये फिल्म महेश के लिए देखी जा सकती है उनके मास फाइट उनके गानों में जो डांस है जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए जो एक्शन है वो सभी चीज़ें फिल्म को बहुत बढ़िया बनाती है सिर्फ क्लाइमेक्स थोड़ा फिल्म का वीक है सेकंड अब थोड़ा स्लाइटली खींचा हुआ है अदरवाइज़ ये फिल्म फैंस और मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है जिस तरह से महेश बाबू को प्रेजेंट किया हुआ है वो बढ़िया है तो ओवरऑल इस फिल्म को ज़रूर देखा जा सकता है जहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा खासी तरीके से क्रिएट किया हुआ है फैंस के लिए तो इसे मिस नहीं करना चाहिए रिलीज़ के ऊपर बात करें तो ग्यार ग्यारह जनवरी दो को इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आई पे करीबन आठ के आसपास वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल थी दस में से पिछहत्तर करोड़ में बनी इस फिल्म ऑफिस परमाका मचा साई थी दो हजार बीस में जहां पर अला लो और ये फिल्म दोनों फिल्म एक साथ में आई थी लेकिन दोनों फिल्में अच्छी खासी तरीके से वर्क कर गई और दोनों फिल्मों ने ढाई करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया इस फिल्म ने भी पिछहत्तर करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने करीबन साठ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था वर्ल्ड वाइड तो तेलुगु फिल्मों के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज में आने वाली फिल्म के हिसाब से इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काफी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे जिसके चलते इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था फिल्म को कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे जहाँ पे कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेस भी किया गया था अब हम बात कर लेते इस फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में कहाँ पे देख सकते हो तो इस फिल्म को तेलुगु वर्ज़न में आप देख सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जिन्होंने बड़ी प्राइस में इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए उन्होंने एक मार्च 2020 के बाद इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे सैटेलाइट राइट्स ख़रीदे हुए सन नेटवर्क ने जिन्होंने फिल्म को जेमिनी टी वी प्रीमियर करवाया हुआ था सबसे पहली बार और अब आपको जेमिनी टीवी के ऊपर ये फिल्म देखने को मिल जाएगी के केवरू के साथ तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहीं पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु वर्जन में यह फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी फिल्म का तमिल डब्ड वर्जन यानि इवन नुक्को सरिया आल इलाई जिसके राइट्स खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टान ने जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तमिल डब्ड वर्जन के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पे आप डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इवन नुकू सरियाना अल नाम के साथ सरीलेरुनी के और फिल्म तमिल डब्ड वर्जन में देख सकते हो वहीं पे कन्नाडा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो मेजर अजय कृष्णा के नाम से इस फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे उड़िया टीवी के ऊपर फिल्म को फिल्म के डब्ड वर्जन को प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे अब बात करें हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर तो हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स रिलीज से पहले ही गोलमाइंस वालों ने काफ़ी बड़ी रकम में खरीदे हुए थे इस बाद में इस फिल्म की डबिंग उन्होंने सरी लेरू नाम के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाई जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से शरीर जहाँ पे शरीर लेरू सिर्फ नाम रख के फिल्म को डब कंप्लीट करवाया सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला फिल्म के गानों को डब नहीं करवाया हुआ है तो गोलमायंस वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे गोलमस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर सली सरी, सरी नाम के साथ हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे यूट्यूब पे गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में विथ इंग्लिश सब इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा इसके अलावा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको सरी लेरू निकेवरू फिल्म का जो हिंदी डब्डो वर्जन है उसके राइट्स कॉल गोलमाइंस के पास है टेलीविज़न और यूट्यूब के दोनों के तो जहाँ पे टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म सरी लेरू के नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे यूट्यूब पे ये फिल्म आपको गोलमाइंस के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में सरी लेरू के नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग की भी डिटेलिंग दे दी है साथ ही में फिल्म का एक रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको स्टोरी एनालिसिस स्टोरी एक्सप्लेनेशन करके दी हुई है फिल्म के जो स्टार कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट है म्यूजिक डिपार्टमेंट है सपोर्टिंग कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस उनका काम किस तरह का था वो बताया हुआ है उनका एक ओवरऑल एक रिव्यू करके दिया हुआ है इसके अलावा फिल्म का तेलुगु तमिल कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन कौन से यूट्यूब चैनल कौन से सेटेलाइट चैनल कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो उसकी भी डिटेलिंग दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू